हालेलुया, जय मसीह। परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से इस दिन में हमारा इस ऑनलाइन आराधना में जो इतने भी भाई और बहन आप भाग ले रहे हैं, हम आपको स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप जहां कहीं भी हैं आप सही सलामत में हैं और परमेश्वर के विश्वास में, दृढ़ में, भरोसेमंद में और आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हमें भी बहुत उत्साह हो रहा है कि आप सब एकसित होकर एक जगह पर इकट्ठे होकर आप परमेश्वर की आराधना में भाग ले रहे हैं। और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि हर हफ्ते के आराधना में जरूर आप उत्साह के साथ परमेश्वर के वचन को सुनने में और परमेश्वर के उपदेश को सुनने में अपने आप को आप समर्पण कर रहे हैं। देखकर हमें बहुत उत्साह हो रहा है और बहुत आनंद भी हो रहा है। ऐसे ही इस अंतिम दिनों में परमेश्वर के साथ अपने दिन को गुजारिए। हालेलुया, और परमेश्वर के सम्मुख में निरंतर स्थिर रहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए थोड़े देर हम आंखें बंद कर हम प्रार्थना करेंगे, हम स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा इरे, आपका धन्यवाद। यहोवा शम्मा, आपका धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप पवित्र परमेश्वर है, आप यहोवा इरे है, आप सब कुछ हमारे लिए है, आप ही सर्वोच्चित परमेश्वर है, आप ही सच्चा खुदा है, आप ही पवित्र है, आप ही पवित्र है। आपके वचन के द्वारा इस सारे सृष्टि को रचाया एकमात्र परमेश्वर यहोवा आप ही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें बचाने वाले, हमें सहायता करने वाले, हमें संभालने वाले, हालेलुया, अपने हथेलियों पर हमारा चित्र बनाए रखने वाले परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर यहोवा आप ही है। रिखा बाला रबा शागा दुना माला रगादा ना माला रगड़ रबा शगदुना माला रबा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपके धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। इन दिनों में भी आपके पंखों के तले हमें छिपाकर हमें बचाया रखने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। आदि और अंत परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आराधना का योग्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। मेरा यहोवा पवित्र है, मेरा यीशु मसीह पवित्र है, मेरा पवित्र आत्मा पवित्र है। और इखाबा शगादुना माला रबा बाबा, पवित्र, 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 पवित्र है। आपके जैसे जिंदा खुदा इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है। आपके जैसे पवित्र परमेश्वर आपके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आंसू पोछने वाले, हालेलुया, व्याकुल को हटाने वाले परमेश्वर, हृदय गहरे हृदय को जांच करने वाले परमेश्वर, हमारे साथ बातें करने में योग्य परमेश्वर सिर्फ आप ही है, आप ही है, आप ही है। आपकी बढ़ाई करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं परमेश्वर। इस दुनिया में आपके अलावा हमें कोई भी नहीं है। इस दुनिया में आपके अलावा आप, हालेलुया, हमारा एक दोस्त सिर्फ आप है। हालेलुया, एक सच्चा दोस्त आप हमारे हैं, एक सच्चा चरवाहा आप हमारे हैं। और रिखा बाला रबा शगा दुना माला रबा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस आराधना में जितने भी भाई और बहन भाग ले रहे हैं। परमेश्वर आराधना के द्वारा एक छुटकारा को दीजिए, आराधना के द्वारा एक चंगाई को दीजिए, आराधना के द्वारा आप में स्थिर बनाने का सामर्थ्य हर एक भाई और बहन को भरिए, उनके विश्वास और आगे बढ़े। हालेलुया, आपके ऊपर का जो विश्वास है, भरोसा है, हालेलुया, और आपके ऊपर आगे बढ़े। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितना भी कष्ट आए, जितना भी परेशानियां आए, जितना भी व्याकुल हो, हालेलुया, सबके ऊपर परमेश्वर आप उनका नींव बने रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, आप ही हमें संभाले। उपदेश के समय को, परमेश्वर के संदेश के समय को, वचन को आपके हाथों में समर्पण करें। हमारे साथ पवित्र आत्मा बात करने के लिए हम विनती करते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। आप ही के हाथ में हम समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा परमेश्वर भला है, हमें सहायता करने वाला एकमात्र परमेश्वर सिर्फ हमारा यीशु मसीह ही है। हालेलुया, हालेलुया।
तो चलिए हमारे गीत को हम शुरू करेंगे। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुखड़ा है, खुदा का थामे रहना हाथ, रास्ता सुखड़ा है। हालेलुया, कितना भी कष्ट हो, हम परमेश्वर के हाथ को पकड़कर ही हमें चलना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। तो चलिए, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुखड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुखड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुखड़ा है, खुदा का थामे रहना हाथ, रास्ता सुखड़ा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा की रूह सिखाएगी, खुदा की रूह बताएगी, खुदा की रूह की तुम सुनना, रास्ता सुखड़ा है। खुदा की रूह सिखाएगी, खुदा की रूह बताएगी, खुदा की रूह की तुम सुनना, रास्ता सुखड़ा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया तुम पर है, दुआए जन्नत की ले लो, रास्ता सुखड़ा है। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुझ पर हो, दुआए जन्नत की ले लो, रास्ता सुखड़ा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। चले हो खुदा के साथ, रास्ता सुखड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुखड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुखड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुखड़ा है। हालेलुया, परमेश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र को हमारे लिए भेजकर, मेरे पापों के लिए, मेरे अधर्म कामों के लिए, मेरे श्रापों के लिए, मेरे गंदगी मुझसे हटाने के लिए, पाप के दलदल में जो मैं पड़ा था, वहाँ से मुझे खींच कर निकालने के लिए वो एकमात्र पुत्र को हमारे लिए भेजकर उनका प्यार को उन्होंने दिखाया कि वो कितना हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया, तो वही लहू है जो हमें परलोक तक पहुँचाती है। हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना शरीर को हमारे लिए कुर्बान दिया, अंतिम लहू तक हमारे लिए उन्होंने बहा दिया। तो वो लहू ही एक ही रास्ता है जो हमें उस परलोक तक पहुंचाता है। हालेलुया हालेलुया। सो इस अंतिम दिनों में खुदा की बात को हमें सुनना है, खुदा के वचन को पढ़कर उसमें स्थिर रहना है। हालेलुया,
तभी वो खुदा के वचन हमें सिखाएगी पवित्र आत्मा के द्वारा कि क्या सही है क्या गलत है और उस एक अच्छे रास्ते में हमें कैसे चलना है, पवित्र कैसे बनना है बोलकर वही पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। हालेलुया हालेलुया। तो चलिए हम और एक गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। यहोवा की आराधना करें। यहोवा रफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आते उसके पास। यहोवा रफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आते उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। यहोवा की आराधना करें। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, आप दी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बांधावों में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बांधावों में खोलेगा द्वार। पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से, यीशु के लहू से। पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। सब मिलकर मेरे साथ तालियां बजाकर आराधना हो आत्मा से, रिगाबा शे दुना माला रबाब। आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। यहोवा की आराधना करें। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू ना घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय विश्वास के साथ। देख तेरे सामने आपके सामने प्रभु ने दे दी विजय। रिगाबा शहादु नलरा छुटकारा केवल सिर्फ यीशु के नाम से, यीशु ही में है छुटकारा केवल, छुटकारा केवल यीशु ही में है। सब तालियां बजाकर आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हाँ परमेश्वर हालेलुया। हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। यहोवा की आराधना करें। तालियां बजा कर यहोवा की आराधना करें। यहोवा की आराधना
आप हमारे लिए यहोवा राफा है, आप हमारे लिए यहोवा शालोम है, आप हमारे लिए यहोवा निशी है। हाँ परमेश्वर, हमारे दाएं ओर हजार या तो हमारे बाएं ओर 1,000 पड़े भी तो ओला गदा नमा शगा दा नमला रबा, हमारे लिए वो कोई भी नुकसान को नहीं पहुंचाता है, क्योंकि आप हमारे लिए युद्ध करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे भाई और बहनों, इस आराधना का समय में कोई भी चुप ना रही है, सिर्फ अपना मुंह खोल कर परमेश्वर से बताइए, हाँ परमेश्वर आप मेरा यहोवा राफा है, जो आप मुझे चिंता देते हैं, आप मेरा यहोवा शालोम है, आपके द्वारा मैं शांति को मैं पाता हूं, पाती हूं। हालेलुया, आप मेरे लिए यहोवा निसी है। मेरे सामने जितने भी सैनिक दुश्मन का सेना क्यों ना खड़े हो, और इखाबा दना मशगा दना मलरबा, और दुश्मन की सेनाओं को आप मेरे लिए लड़ाई जंग कर कर आप मेरे लिए, हालेलुया, उनको मुझसे दूर हटाएंगे, हराने वाले परमेश्वर। और रेखाबा दुना माला रबा, आप मेरा यहोवा निसी है। सब इस आराधना का समय में बोलिए, परमेश्वर यीशु मसीह, मैं इस तरह का जंग को मैं जीत नहीं पा रहा हूँ, इस तरह का पाप को मैं नहीं जीत पा रहा हूँ, मैं इसको नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी मैं धकेल दिया जाता हूँ, फिर भी मैं धकेल दिया जाता हूँ, मैं इस पाप को किया बिना मैं नहीं रह पा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं करूँ, फिर भी मेरे मांस के बलहीन से मैं इस पाप को मैं कर रहा हूँ। हालेलुया, आज इस आराधना के समय में एक यहोवा निसी बनकर, एक यहोवा निसी बनकर आप मुझे भरिए, आप मुझे भरिए, ताकि मैं शैतान के सारी चाल को, हालेलुया, एक जंग के द्वारा मैं जीत पाऊँ। हालेलुया, हालेलुया, आप एक यहोवा निसी के तरह मेरे अंदर अभिषेक के द्वारा भरिए, मुझे भरिए, ताकि मेरे सामने खड़े हुए पाप के सेनाओं को, हालेलुया, मैं जीत सकूं, मैं आपके बिना ये जंग को मैं नहीं जीत सकता, अगर आप मेरे साथ रहेंगे एक यहोवा निसी के तरह, हालेलुया, एक अगर जय देने वाले परमेश्वर मेरे साथ आप रहेंगे, तो जरूर मैं इस जंग को जीतूंगा, जरूर मैं पवित्र बनूंगा, जरूर मैं आपके लिए एक सेना बनकर, एक योद्धा बनकर मैं आपके लिए दौड़ूंगा। ओ राखा बा शगा दलाला रा रीगा बा दुना माला रबा बाबा, ओ रीबा शगा दुना माला रबा, ओ राखा दुना माला रबा शगा दुना माला रबा। अर्पण कीजिए इस आराधना का समय को, समय में हालेलुया उपयोग कीजिए, इस समय को उपयोग कीजिए, और अपने आप को परमेश्वर से बताइए, हालेलुया, मैं मेरा जीवन को आपके हाथों में मैं समर्पण करता हूँ, जैसे कुम्हार के हाथों में एक मिट्टी जाकर एक अच्छा बर्तन को बनाने में जैसे प्रयोग होता है, वैसे भी इस अंतिम दिनों में मैं भी आपके हाथों में एक अच्छा मिट्टी बनकर, हालेलुया, एक अच्छा बर्तन उसमें से बनवा कर मैं एक अच्छा उपयोग का बर्तन में बनना चाहता हूँ। जैसे कोई भी इस प्रार्थना को आप मेरे साथ कर रहे हैं, तो चलिए इस आराधना का गीत को हम परमेश्वर से गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, रेखा बाशगा दुना माला रबा। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मेरे साथ फिर से मिलकर, खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु, मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है,
जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है, अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा, अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा, अपनी जान दी है तूने यीशु, मैं तेरा हूं, पीछे प्रभु, मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है, उद्धार की घोषणा सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु, उद्धार की घोषणा करने सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु, वचनों पर स्थिर रहूं मैं यीशु तेरे आने तक, तुझसे लिपटा काफी है, वचनों पर स्थिर रहूं मैं यीशु तेरे आने तक, तुझसे लिपटा रहूं मैं यीशु, तू काफी है। सब लोग हाथ उठाकर बोलिए, खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु, खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु, मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है, मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। हालेलुया। रखा वाशगा दुना माला रबा, मैं थक ना जाऊं इस जिंदगी में, मैं थक ना जाऊं। बोलिए, इस हालात को देखकर मैं थक ना जाऊं, मेरे चारों ओरों का परिस्थितियों को देखकर मैं थक ना जाऊं, इस वातावरण को देखकर मैं थक ना जाऊं, ये स्थितियों को देखकर मैं थक ना जाऊं, परमेश्वर मैं थक ना जाऊं, बल्कि आप में सर्वदा बना रहूं। हालेलुया
हालेलुया, आप में मैं सर्वदा बना रहूं, पीछे ना हट जाऊं। वैसे सहमत से आज इस आराधना के द्वारा आप हमें भरिए, पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं हटना है, रूह की बात को सुनना है, वचन को सुनना है, वचन को पढ़ना है, वचन का अर्थ को समझना है। कोई भी हमें आकर धोखा ना दे, हालेलुया। बतेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, फिर भी हमें ऐसा समझ से भर दे कि वचन क्या कहती है इसके बारे में, क्या वचन इसके बारे में कहती है, या तो वो लोग जो मुझे भरमाने आ रहे हैं वो लोग मुझसे क्या कहते हैं। ये दोनों का फर्क को मुझे आत्मा के सामर्थ्य में मैं जब भरूंगा तभी उस वचन का अर्थ को मैं समझकर उस वचन में स्थिर रहना है इस अंतिम दिनों में। ऐसे सामर्थ्य में आप मुझे भरिए परमेश्वर। कोई चुप मत रहिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब इस आराधना के द्वारा हम परमेश्वर से बोलेंगे इस अंतिम दिनों में। परमेश्वर वचन के समझने वाला एक सामर्थ से हमें भरिए, रूह की बात को सुनने वाला एक सामर्थ से आप हमें भरिए। हालेलुया, हम भरमाए ना जाए इस अंतिम दिनों में, हम धोखा ना खाए। हालेलुया, 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 वचन में स्थिर रहना है यीशु, तेरे आने तक वचन में मुझे स्थिर रहना है, आपसे मुझे लिपटा रहना है। जो है जो नहीं है मुश्किल नहीं, आप मुझे काफी है इस दुनिया में। बोलिए, हाथ उठाकर परमेश्वर से बोलिए, हाँ परमेश्वर आप मुझे काफी है, आप मुझे काफी है, सिर्फ आप मुझे काफी है। हालेलुया, हालेलुया, रिखा बाशगा दुनाला रबा। सब अपने हाथों को उठाकर इस आराधना का गीत को हम महिमा के द्वारा हम परमेश्वर के सम्मुख में हम समर्पण करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिंहासन पे विराजमान तेरी आराधना, प्रभु पवित्र मेमने तेरी आराधना। सिंहासन पे विराजमान तेरी प्रभु पवित्र मेमुनेश्वर, तेरी आराधना। मेरे साथ सब मिलकर तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। सिंहासन पे विराजमान पवित्र मेमने तेरी आराधना। अभय स्थान मेरे, सेनाओं का प्रभु तू है। अभय स्थान मेरे, सेनाओं का प्रभु तू है। मुसीबतों में तू करीबी मददगार है, मुसीबतों में तू करीबी मददगार है। सब हाथ को उठाकर तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। सिंहासन पे विराजमान तेरी आराधना, प्रभु पवित्र मेमने तेरी आराधना। संग्रह के दी शक्ति, गिरने पर मजबूती दी, बुराई से बचा के मुझे ले जाओगे स्वर्ग लोक में। सब मेरे साथ मिलकर, हाँ, बुराई से बचा के मुझे ले जाओगे स्वर्ग लोक में। रिगा बाशाद नमला रबा, तेरी आराधना, तेरी
सिंहासन पे विराजमान। तेरी आराधना परमेश्वर पवित्र मेमने, परमेश्वर पवित्र मेमने, तेरी आराधना आग की जलती बत्ती मुझे नहीं छू सकेगी। विश्वास के साथ बोलिए, आग की जलती बत्ती मुझे नहीं छू सकेगी। मेरे आराध्य प्रभु होने नहीं देगा हानि। विश्वास के साथ बोलिए, मेरा आराध्य प्रभु होने नहीं देगा हानि। हाथ उठाकर तेरी आराधना, तेरी आराधना यीशुआ की, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु पवित्र मेमने, तेरी आराधना यीशुआ प्रभु पवित्र मेमने श्वाप की। ए तेरी आराधना लाबाशगा दुना मलरबा, तेरी आराधना, हाथ को उठाकर तेरी आराधना श्वाप की, तेरी आराधना, तेरी आराधना सिंहासन पे विराजमान। प्रभु पवित्र मेमने, तेरी आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रबाबा शगदुना माला रबाबा, ओ रखा रबा शगदुना माला रबा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरा भय स्थान आप है, हालेलुया हालेलुया। मुझे संग रहकर मुझे शक्ति देने वाले पवित्र परमेश्वर आप है। रीखा बाशगादुना माला रबा, आ परमेश्वर आग की जलती बत्ती, हालेलुया हालेलुया, आग की जलती बत्ती मुझे नहीं छू सकेगी। क्योंकि जो परमेश्वर को मैं आराधना कर रहा हूँ, जो परमेश्वर को मैं बढ़ाई दे रहा हूँ, जो परमेश्वर को मैं महिमा कर रहा हूँ, वो परमेश्वर हालेलुया मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाने देंगे। मुंह खोलकर परमेश्वर के इस वचनों को आपके मुंह से आप बोलते रहिए, हाँ मेरा आराध्य परमेश्वर मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिखा वाला रबा शगदुना माला रबा, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, थक मत जाइए, व्याकुल मत हो जाइए, चिंता मत हो जाइए, हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं वो एक सच्चाई परमेश्वर है। वो कभी भी हमें छोड़ेंगे नहीं, कभी भी हमें त्यागेंगे नहीं, कभी भी हमें भूलेंगे नहीं। क्योंकि उन्होंने अपने हथेलियों पर हमारा चित्र को बना कर रखे हैं। जब हम उन्हें छोड़ देंगे, जब हम यीशु मसीह को भूल जाएंगे, जब हम यीशु मसीह के वचनों से मुड़ जाएंगे, जब हम यीशु मसीह को इनकार करेंगे जानबूझकर, तभी हो सकता है कि परमेश्वर हमें छोड़ दे। नहीं तो हर किस परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें नहीं त्यागेंगे। हालेलुया हालेलुया। जब शात्राक मेशक आबेदनेगो ये चार आदमी, ये तीन आदमी जब वो आग के गुफा में जब धकेल दिए गए थे, वो एक बड़ा आग का जलती बत्ती था। देखिए चौथा आदमी बनकर यीशु मसीह वहां आ गए, और देखिए उनका आंख का जो एक छोटा सा बाल है वो बाल भी नहीं जला। वैसे ही ये तीन आदमियों को परमेश्वर उस आग के बीच में बचाकर बाहर लेके आए, एक भी हानि नहीं पहुंचा। तो जो आराधना आज के दिनों में हम परमेश्वर को देखकर सच्चाई हृदय से हम करते हैं,
तो जरूर परमेश्वर भी अभी जो स्थिति हो रही है उस स्थिति से हमें जरूर बचाएंगे। सिर्फ हमें उनके विश्वास में आगे बढ़ना है, उनके विश्वास में आगे बढ़ना है। हालेलुया, जरूर परमेश्वर हमें मदद करेंगे। सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 परमेश्वर यीशु मसीह, इस अच्छे दिन के लिए धन्यवाद, इस अच्छे आराधना का समय के लिए धन्यवाद। आपने इस आराधना को ग्रहण किया, हम धन्यवाद करते हैं। जो भी भाई और बहन इस आराधना में शामिल हुए थे, हम विश्वास करते हैं कि जरूर उनके अंदर एक छुटकारा उन्होंने प्राप्त किया होगा परमेश्वर, चंगाई को प्राप्त किया होगा परमेश्वर। हालेलुया, जो कोई डर के मारे बैठे थे, जो कोई आने वाले समय को देख कर डर के मारे चिंता में व्याकुल में बैठे थे, हम उम्मीद रखते हैं, हम विश्वास करते हैं कि जरूर वो लोग छुटकारा प्राप्त किए हैं परमेश्वर। एक गवाही बना दीजिए, आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं जो वचन को हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर। परमेश्वर आप ही पवित्र आत्मा हमसे बात करने के लिए, हमारा हृदय को तैयार रखने के लिए आप हमें मदद कीजिए। आपके हाथों में समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया हालेलुया। हम सब भजन संगीता पढ़ेंगे, भजन संगीता का 81 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर की भलाई और इज़राइल का हट, प्रधान बजाने वाले के लिए कीर्तित राग में आसाफ का भजन। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो, भजन उठाओ, डफ और मधुर बजाने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि यह इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसको उसने यूसुफ में चितोनी की रीति पर उस समय चलाया, जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहां मैंने एक अनजानी भाषा सुनी, मैंने उनको कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी डोना छूट गया। तूने संकट में पढ़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने की गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी, और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराई स्वर ना हो, और ना तू किसी पराए देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाला लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा, इसीलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊंगा और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊंगा। यहोवा के भैरी तो उसके वश में हो जाते, और उनका अंत सदा काल तक बना रहता है। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। हालेलुया हालेलुया। तेरा वचन में ऐसा है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो परमेश्वर उन्हें उत्तम से उत्तम गेहूं देते खिलाते, और चट्टान के मधु से उनको तृप्त करते। तो इन दिनों में हमारा प्रार्थना हर समय ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर हम सदा तक आपके आने तक आपके वचन में स्थिर रहे, और आपको वचन को हम सुने। हालेलुया, वचन सुनने वालों को, वचन के अनुसार उसको पालन कर चलने वालों को जरूर परमेश्वर आशीष करेंगे। हालेलुया हालेलुया। तो हमारा भजन संगीता के लिए हम परमेश्वर से धन्यवाद कहेंगे। और हमारा कलीसिया का सूचना ये है कि हमारा कलीसिया का आराधना हर शुक्रवार के समय शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। तो सुबह से आप सब तैयारियां खत्म कर
आप हमारे इस आराधना में भाग लीजिए। बहुत सारे भाई और बहनों आप इसमें भाग ले रहे हैं, उसको हम देख पाते हैं। तो लगातार परमेश्वर के सम्मुख में स्थिर रहने के लिए आप जरूर इस आराधना में भाग लीजिए। आप आपके दोस्तों के साथ भी बांट सकते हैं और उन्हें भी आप लेकर आकर आप बैठा सकते हैं और आराधना में से और वचन को सुनने में से जरूर परमेश्वर उन्हें आशीष करेंगे। हालेलुया। तो चलिए हम सब आंखें बंद कर हमारा इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम परमेश्वर से धन्यवाद करेंगे और सब देशों के लिए, पृथ्वी के जितने भी देश हैं, हम सब उन देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। सब अपने आंखों को बंद कर इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम धन्यवाद कहते हैं। हाँ परमेश्वर, जब हम आपके वचन को सुनेंगे, जब हम आपके वचन में स्थिर रहेंगे, तब आप जरूर हमें उत्तम से उत्तम गेहूं को खिलाएंगे और चट्टान के मधु को हमें देंगे परमेश्वर। हालेलुया। इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। इस समय में परमेश्वर हमारे देशों को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं, विशेष कर हमारा इंडिया देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, दूसरी देवताओं को दंडवत करने के निमित्त परमेश्वर, आपके बात को ना मानने के निमित्त परमेश्वर, परमेश्वर आपके बात को ना सुनने के निमित्त परमेश्वर, हमारे देश में जो ये महामारी आ पड़ा है परमेश्वर, परमेश्वर हम इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के दया के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर के दया के लिए और कृपा के लिए इंडिया देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप दया से अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, जरा सा अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, आपका एक बात काफी है परमेश्वर। हमारे देशों को, हमारे देश के लोग इस महामारी से छुटकारा पा जाएंगे परमेश्वर। परमेश्वर एक तरफ तो ऑक्सीजन का कमी है, एक तरफ बिस्तर नहीं है, एक तरफ सब अस्पताल भर गए हैं, एक तरफ मृत्यु ही मृत्यु हो रही है, गाड़ने के लिए जगह नहीं है, जलाने के लिए जगह नहीं है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जलाने के लिए लकड़ियां की कमी है परमेश्वर। बहुत आत्माएं जो है वो आपको जाने बिना परमेश्वर नरक के ओर जा रहे हैं परमेश्वर। इस स्थिति के लिए अगर हम कारण होंगे तो हम माफी मांगते हैं आपसे, आपसे हम माफी मांगते हैं परमेश्वर। दया कर हमारा इंडिया देश के ऊपर दया कीजिए, हमारा इंडिया देश के ऊपर दया कीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हम सब कलीसिया के भाई और बहन मिलकर परमेश्वर आपके पांव तले बैठकर हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे देश के ऊपर आप दया कीजिए, दया कीजिए, हमारे लोगों के ऊपर दया कीजिए परमेश्वर। हमारे देश में एक जागृति हो परमेश्वर, एक जागृति हो, जागृति के निमित्त देश के लोग समझे कि यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है, यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है जो अपने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजकर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे श्राप के लिए, हमारे रोगों के लिए उन्होंने उस क्रूस में बलिदान हुआ, यीशु मसीह जिंदा खुदा है बोलकर हालेलुया देश के लोग जानकारी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्लीज लॉर्ड हेल्प अस, लॉर्ड हमें मदद कीजिए, हमें मदद कीजिए। नेपाल देश, श्रीलंका देश, बांग्लादेश, हालेलुया, और पाकिस्तान में भी यही हालत होगा तो परमेश्वर उन्हें भी परमेश्वर आपके ओर, आपके वचन के ओर, एक सच्चा खुदा के ओर परमेश्वर आंख को उठाकर देखने का एक सामर्थ्य उन लोगों को भर दीजिए परमेश्वर। आपने आपका लहू को सिर्फ ईसाई लोगों के लिए नहीं दिया परमेश्वर, आपने उस क्रूस में सिर्फ ईसाई लोगों के लिए नहीं मरा परमेश्वर। हालेलुया, आपने इस पृथ्वी के पापों को आपके ऊपर उठा लिया था और आपके जान को आपने दे दिया। तो परमेश्वर पृथ्वी आपको जाने, इस अंतिम दिनों में इस पृथ्वी आपके पृथ्वी के लोग आपको जान ले परमेश्वर कि वही जिंदा खुदा है, वही आने वाले मसीहा है। वो अभी बच्चा बनकर नहीं, फिर भी राजा बनकर आने वाला है बोलकर ये सारे पृथ्वी के लोगों के आंखें खोलने के लिए परमेश्वर मदद कीजिए।
हम पुकारते हैं परमेश्वर, जब हम पुकारेंगे तब आप आपके गुप्त के स्थानों में से हमें सुनेंगे बोलकर आपके वचन बताता है। आप हमें सुनिए, आप हमारे दोहाइयों को सुनिए सुनिए और दया कर अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद बोलते हैं हमारे इस कतार देश के लिए भी, हम धन्यवाद करते हैं आप इस देश में भी इस महामारी को पूरा से पूरा तक आप हटाकर इस देश में भी जागृति हो, इस देश में भी जागृति हो, सब लोग आप ही सच्चा खुदा है बोलकर परमेश्वर एक जानकारी होने के लिए भी हम विनती करते हैं। हमारे भाई और बहन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, आप ही अगुवाई करें जो संदेश हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर। हम हर एक से आप बात करने के लिए हम विनती करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। चलिए हमारे संदेश की ओर हम ध्यान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। அன்பரே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துக் கொள்கிறோம். பரமேஸ்வர இயேசு மசீஹ் கே நாம் சே ஹர் ஏக் கோ ஹம் ஸ்வாகத் கர்தே ஹே. தொடர்ந்து நாட்கள் அதிகமாய் தேசங்களுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்கும்படியாக கேட்டுக் கொள்கிறோம். இன் தினோ மே பி ஜாதா சே ஜாதா தர் தேசம் கே லியே ஆப் பிரார்த்தனா கீஜியே. இந்திய தேசம், நேபாள தேசம், இந்தியா தேஷ் கே லியே ஆர் நேபாள் தேஷ் கே லியே, ஸ்ரீலங்கா தேசம் ஆர் பி ஸ்ரீலங்கா தேஷ் கே லியே, பங்களாதேஷ், பாகிஸ்தான் ஆர் பங்களாதேஷ் ஆர் பாகிஸ்தான் கே லியே, எல்லாம் அதிகமாய் காணப்படுகிறது. யஹா சப் ய மஹாமாரி பஹோத் ஜாதா ஹே. இந்திய தேசத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஜனங்கள் மரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்தியா தேஷ் மே தேக்கிய ஹஜார் கே ஊப்பர் சப் லோக் மர் ரஹே ஹே. லட்சம் லட்சமாய் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். லாக்கோ லோக் இஸ் மஹாமாரி சே மஹாமாரி கே பீடித் மே பரே ஹே. அதனால் நீங்கள் அதிகமாய் இந்த நாட்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். இசிலியே இந்த தினோ மே ஜாதா சே ஜாதா தக் ஆப் பிரார்த்தனா கீஜியே. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். பரமேஸ்வர் ஆப் ஆசிஷ் கரேங்கே. இந்த நாள் நம் வேத வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம். இஸ் தின் மே பி ஹம் ஹமாரே பவித்ர பைபிள் கே வச்சன் கே ஓர் ஹம் தியான் கரேங்கே. நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் 1 கொரிந்தியர் 1 அதிகாரம். ஹம் லேங்கே பஹலா கொரிந்தியோ கா புஸ்தக பஹலா அத்யாய் 3-5 வசனத்தை வாசிக்கலாம். 3-5 வசன் கோ ஹம் படேங்கே. हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसीलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। அருமையான வேத வசனங்களை நாம் வாசித்தோம். வச்சன் படஹா அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லக்கூடிய நல்ல ஒரு வார்த்தை. பிரேரித் பவுலோஸ் போத் அச்சா வச்சன் கோ யஹாம் பதாதே ஹே. சகல விதமான ஆறுதலின் தேவன் நம் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். யஹாம் போல்தே ஹே கி हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती है. இந்த ரெண்டா நிருபத்தை எழுதும்போது ये कुरिन्थियुस का दूसरा पत्री को लिखते समय पहले से ही इस वचन को लिखते हैं. उन दिनों में देखिए बहुत सारे उपद्रव उन्हें थी. அதன் மத்தியில தேவன் நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆறுதல் படுத்தக்கூடியவர் என்று சொல்லி இசிலே பரமேஸ்வர் ஹமே சாந்தி தேதே ஹே. ஏ அப்போஸ்தல் பவுல் எழுத ஆரம்பிக்கிறார். தோ இஸ் தரீக்கே சே பிரேரித் பவுலோஸ் யஹா லிக்தே ஹே. யா 4 வசனத்துல சொல்லுகிறார். யா 4th வசன் மே பதாயா கயா ஹே. சகல உபத்திரவங்களிலும் அவரே நம்மளை ஆறுதல் படுத்தக்கூடியவர் என்று சொல்லி யா பதாயா கயா ஹே கி தூஸ்ரா கொரிந்தியோஸ் கா புஸ்தக 4th அத்யாய் மே வஹா ஹமாரே சப் க்ளேஷோ மே சாந்தி தேதா ஹே. சகல உபத்திரவங்களும் சகல விதமான ஆறுதலை கொடுக்கக்கூடிய தேவன் தான். सब तरीका का क्लेश में हमें शांति देने वाले परमेश्वर है यीशु मसीह. वो हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ही है. नेचे दिनத்துல நியூஸ்பேப்பர்ல ஒரு செய்தியை வாசித்தேன். கல் मैंने நியூஸ்பேப்பர் में एक संदेश को मैंने पढ़ा. नॉर्थ इंडिया में எந்த ஸ்டேட்னு தெரியல. नॉर्थ इंडियाல ओ नॉर्थ इंडिया में कौन सा देश बोलकर मुझे मालूम नहीं है. ஒரு குடும்பத்துல 3 பெண் பிள்ளைகள். एक परिवार में 3 लड़कियां थी. ஒரு தகப்பனார்
एक पिता थे ताय ஏற்கனவே இறந்து விட்டார்கள் उनके मां पहले ही गुजर चुकी थी அந்த தகப்பனார் அந்த கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்டு இறந்து போய் விட்டார் तो वो पिता भी जो थे वो भी कोरोना के कोरोना से मर गए थे और शरीर ते அங்க அடக்கம் எரிக்கும் போது वो शरीर को जब उन्होंने वहां जला रहे थे அந்த மூணு பெண் பிள்ளைகள் ஒரு பிள்ளைகள் போய் நான் தகப்பனோட மரிக்கிறேன்னு சொல்லி அது மேலே விழுந்தார் तो वो तीन लड़कियों में से एक लड़की क्या कि मैं भी मेरे पिता के साथ मैं भी मर जाऊंगी बोलकर वो आग में कूद गई अवले எடுத்து விட்டார்கள் பிழைத்து கொண்டால் फिर भी वो आग से उसे बाहर निकल गए वो बच चुकी थी அதனால கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களே फिर भी थोड़ा सोच कर देखिए மூணு பொம்பள பிள்ளைகள் तीन लड़कियां என்ன செய்யும் என்று தெரியவில்லை क्या करेंगे बोलकर मालूम नहीं मैरिज ஆயிச்சா என்று தெரியவில்லை उनको शादी हुआ बोलकर मालूम नहीं நீக்கு ஒரு ஆறுதலும் இல்லாமல் சனங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் इसलिए आज शांति के बिना लोग तड़प रहे हैं यार எனக்கு உண்டு என்று சொல்லி அந்த மகள் போய் தன்னையும் மரிக்கும்படியாக அந்த நெருப்பில் விழுந்தார் मुझे कौन है मैं इस दुनिया में बोलकर अपने आप को भी मार डालने के लिए वो आग में जाकर वो लड़की कूद गई நீ கொஞ்சம் நீ வெளியில நியூஸ்பேப்பர்லாம் பாருங்க इसीलिए थोड़ा आप बाहर का समाचार को जरा सुनिए உலகத்துல நடக்கக்கூடிய காரியங்களை பாக்கும்போது दुनिया के जो संभव हो रहे हैं वो कार्य को देखने में देवன் எவ்வளவுவாய் நம்மளை பாதுகாத்து ஆசீர்வதித்து நடத்துகிறார் என்று சொல்லி நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि हमारे परमेश्वर यीशु मसीह हमें किस तरीका से संभाल कर और रक्षा कर रहे हैं ஆனால் நாம் இன்னும் சில பாவங்களை விடாமல் फिर भी हम भी अभी तक एक कुछ पापों को நहीं छोड़ पा रहे हैं இந்த தேவனுக்கு பிரியமில்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் और भी परमेश्वर का अप्रिय जीवन को हम जी रहे हैं இந்த நாட்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டுட்டு इस दिनों में उस सब को छोड़कर தேவனுக்கு வாழுகிற பிள்ளைகளாக நாம் மாற வேண்டும் परमेश्वर के लिए जीने वाला हम मनुष्य हमें होना चाहिए நமக்கு ஒரு தேவன் உண்டு हमारे लिए एक परमेश्वर है நமக்காக அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே தன்னையே ஒப்புக்கொடுத்த ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து உண்டு हमारे लिए एक प्रभु है एक मसीह है जो अपने आप को उस கல்வரி க்ரூஸ் में कुर्बान दे दिया நம்முடைய பாவங்கள் சாபங்கள் வியாதிகள் எல்லாவற்றையும் அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே சுமந்து தீர்த்தார் हमारे पाप को श्रापों को अधर्म को रोगों को सबको उस க்ரூஸ் में उन्होंने हमारे लिए ले लिया அவருடைய இரத்தத்தினாலே நமக்கு எல்லாம் ஒரு விடுதலை உண்டு परमेश्वर के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है அந்த தேவன் சகல உபத்திரவத்தின் காலத்திலும் ஓ परमेश्वर सब क्लेशों के समय में भी நமக்கு சகல விதமான ஆறுதலின் தேவனாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் तो सब तरीका का क्लेशों में परमेश्वर यीशु मसीह सब तरीके के शांति से हमें भरने वाले हैं இங்க அஞ்சாவது வசனத்துல சொல்லுகிறார் யா பாஞ்சவா வசனம் में कहा गया है கிறிஸ்துவோட பாடுகளிடத்தில் பெருகிறது போல जैसे मसीह के दुख हमें अधिक सहभागी है கிறிஸ்துவினாலே எங்களுக்கு ஆறுதலும் பெருகிறது என்று சொல்லி அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லுகிறார் சோ வேசி ஹி ஹம் சாந்தி மே பீ மசி கே द्वारा अधिक सहभागी है இப்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கை ஒரு பக்கம் உபத்திரவம் பெருகினால் கூட देखिए हमारे जिंदगी में अगर एक तरफ क्लेश बढ़ेगा भी तो ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆறுதல் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பெருக கூடியதாக இருக்கும் फिर भी परमेश्वर का दिया हुआ शांति हमारे जिंदगी में एक तरफ बढ़ता ही होगा தேவனே நம்மளை ஆறுதல் செய்கிறவராக இருக்கிறார் परमेश्वर ही हमें शांति देने वाले हैं நாலாவது வசனத்தை திருப்பி வாசிக்கலாம் चौथा वचन को हम फिर से पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक पहला अध्याय का चौथा वचन वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்கிறார் யா பிரேரிக் பவுலோஸ் बोलते हैं எங்களுக்கு வரும் சகல உபத்திரவங்களிலும் हमारे ऊपर जितना भी क्लेश आता है அவரே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவே எங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவராக இருக்கிறார் तो उस क्लेश के मध्य में परमेश्वर यीशु मसीह हमें शांति देते हैं நாம் ஏசாயா 4 அதிகாரத்தில் 5-6 வசனத்தை வாசித்தோம் என்றால் हम ஏசாயா का पुस्तक का चौथा अध्याय का 5 और 6 को अगर हम पढ़ेंगे तो तब यहोवा सियोन पर्वत के एक के घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं के बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा
भविष्यवाणी बताते हैं वसन कड़सी पांचवा वचन का आखिरी में महिमयानविகள் மேலெல்லாம் காவல் உண்டாயிருக்குமா जहाँ कहीं महिमा है उसके ऊपर एक विभाग उसके ऊपर एक मंडप छाया रहेगा कावल என்றால் रक्षा का मतलब है அதை பாதுகாக்க கூடிய தேவனுடைய அனுமதி இல்லாமல் ஒன்று நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கடந்து வராது देखिए एक रक्षा का मतलब यह है कि रक्षा करने वाला परमेश्वर के बजाय कोई कुछ हमारी जिंदगी में नहीं कर सकते प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर पाते हैं ना हमारे हमारे गांव में देखिए प्रधानमंत्री होते हैं और मंत्री लोग जो होते हैं इज्जत अड़क पादुगाप என்று சொல்லி சொல்வார்கள் उसको जेड रक्षा करने वाला बोलते हैं ஏழு விதமான பாதுகாப்பு वो मंत्री लोगों को देश को जो सरकारी करते हैं वो मंत्री लोगों को देखिए सात तरीके का रक्षा देने वाला होते हैं अंदर प्राइम मिनिस्टर पाके वेने मिंडाल अगर उस प्रधानमंत्री को अगर हमें देखना है तो येल पादुगा पे तांडी देना उड़ी पोके मिंडों तो ये सात सात तरीके से सात तरीके के रक्षा करने वाले के बीच में उन्हें गुजर कर जाना है इंगे आंडव सुलेगराल यहाँ परमेश्वर बताते हैं மகிமையானவைகள் மேலெல்லாம் மகிமா जो महिमा देती है उसके ऊपर காவல் உண்டாயிருக்கும் என்று சொல்லி उस उसके ऊपर एक छाया बना रहेगा இந்த ஆண்டு தேவன் நமக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் इस वर्ष परमेश्वर हमें दिया हुआ जो वचन है ஏசாயா 60வது அதிகாரம் 2வது வசனம் ஏசாயா का पुस्तक का 60वां अध्याय का दूसरा वचन देख पृथ्वी पर जो अंधियारा और राज्य राज्य के लोग पे लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा ஆண்டவருடைய மகிமை நம் மேல் காணப்படும் என்று சொல்லி தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினார் यहां इस ஏசாயா 60வது அதிகாயம் में दूसरा वचन में परमेश्वर बताते हैं कि परमेश्वर का महिमा हमारे ऊपर एक रक्षा बनकर रहेगा இந்த வார்த்தை வைத்து ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளையோட வாழ்க்கையிலும் तो इस वचन को रखकर प्रार्थना करने वाले हर एक लोगों को ஆண்டவருடைய மகிமை அவர் மேல் காணப்படுகிறது परमेश्वर का महिमा उनके ऊपर होगा அந்த மகிமை மேல் தேவனுடைய பாதுகாப்பு இருக்கிறதாக சொல்லப்படுகிறது तो उस महिमा के ऊपर भी परमेश्वर का छाया रहेगा ஏசாயா 4வது அதிகாரம் 6வது வசனத்துல ஏசாயா 4th அதிகாய का 6வது வசன में ஒருசில பகலில வெயிலுக்கு நிழலாகவும் दिन को धूप से बचाने के लिए பெருங்காற்றுக்கும் மழைக்கும் அடைக்கலமாகவும் और आंधी पानी और झड़ी में एक शरण மறைவிடமாகவும் और आड़ होगा और கூடாரம் உண்டாகும் तो वहाँ एक मंडप बना रहेगा அதான் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து वही है परमेश्वर यीशु मसीह அவர் நமக்கு ஒரு நிழலாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் परमेश्वर हमारे लिए एक छाया बनकर நமக்கு ஒரு அடைக்கலமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் परमेश्वर हमारे लिए एक शरण बनकर रहते हैं வைத்து நம்மை அவர் பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார் तो इस छाया के अंदर रखकर हमें रक्षा करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए शांति दाता है देवने नमले पादुगाक्किरार परमेश्वर हमें रक्षा करते हैं रेंडावदाग दूसरा नाम अवर मेल वैक्के कुड़े नंबिके नमक आरदले कोंडु वरकूडियदाग इरुक्कुम परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा को हम रखते हैं वो भरोसा हमें शांति देती है वासिकलाम 2 कुरिन्थियर 1वां अधिकारम हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियुस का पुस्तक पहला अध्याय 8 मुदल 10 वरे उल्ल वसनंगल 8 9 और 10 को हम पढ़ेंगे हे भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है ताकि हम अपना भरोसा ना रखे वरन परमेश्वर का जो मरे हुए को जिलाता है उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा और उसी पर हमारी यह आशा है कि
की वह आगे को भी बचाता रहेगा। हालेलुया हालेलुया ये சொல்லுகிறார் நான் बताया है நாங்கள் தப்பி பிழைப்போம்ங்கற நம்பிக்கை இல்லாத சூழ்நிலையில हम बच जाएंगे बोलकर ऐसा एक भरोसा हमारे अंदर नहीं था। எங்கள் பலத்துக்கு மிஞ்சின அதிக பாரமான வருத்தம் எங்களுக்கு உண்டாயிற்று। तो हमारे बल से भी ज्यादा व्याकुल हमें हो रहा था। நாங்கள் எங்கள் மேல் நம்பிக்கை வைக்காமல் फिर भी हमने हमारे ऊपर भरोसा नहीं रखा। தேவன் மேல் நம்பிக்கை இருக்கத்தக்கதாக परमेश्वर के ऊपर हमने हमारा भरोसा को रखा। நாங்கள் நம்பிக்கை வைத்தோம் அவர் மேல் इस தரிக்கே से हमने परमेश्वर के ऊपर ही हमारा भरोसा को रखा। அவரே தப்பு விட்டார் तब परमेश्वर ने हमें बचाया। இப்பொழுதும் தப்பு விப்பார் அபி பி बचाते हैं இன்னும் தப்பு விப்பார் என்று சொல்லி அவரே நம்பி இருக்கிறோம் என்று சொல்லி பவுல் சொல்கிறார். और आने वाले समय में भी परमेश्वर ही हमें बचाएगा बोलकर हम परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा को रखे हैं बोलकर प्रेरित पौलुस यहां बताते हैं। यानी कनबन देव जन में मेरे प्रिय भाई और बहनों ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மேல் உங்க நம்பிக்கை வச்சீங்கனா अगर आप आपके भरोसा को परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर रखेंगे तो என்ன கொள்ளை நோய் நடந்தா வந்தாலும் जितना भी महामारी आने दीजिए இனி என்ன இனி வரக்கூடிய எவ்வளவு பெரிய கொள்ளை நோய் இருந்தாலும் और भी जो बड़े-बड़े महामारी आने के लिए है वो आने दीजिए। देवन எல்லாவற்றிலிருந்து நம்மை தப்புவிக்க வல்லமை உள்ளவராக परमेश्वर सब स्थितियों से हमें रक्षा करने में सामर्थ्यमंद है। ஒரு சேதமும் இல்லாதபடிக்கு நம்மை பாதுகாக்க அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார். कोई भी हानि हमारे ऊपर ना हो इस तरीके से परमेश्वर हमें बचाने में सामर्थ्यशाली है। या अपोस्तल पौलुस चलेगा या प्रेरित पौलुस बताते हैं எங்கள் நம்பிக்கையெல்லாம் அற்று போயிற்று हमारे भरोसा को हमने खो दिया। ஆனால் நாங்கள் தேவனை சார்ந்து கொண்டிருந்தபோது फिर भी हम हमारे परमेश्वर के ऊपर हमने भरोसा रखा। நாங்கள் அவர் மேல் எங்கள் நம்பிக்கை உறுதியா வைத்திருந்த நிமித்தம் हम हमारे भरोसा को अच्छे तरीके से हमने परमेश्वर के ऊपर ही रखा। தேவன் எங்களை ஆறுதல் படுத்தினார் इसीलिए परमेश्वर ने हमें शांति दी। அது மாத்திரமல்ல எங்களை தப்புவிக்கிறவராக இருந்தார் सिर्फ शांति ही नहीं दी वो हालत से हमें बचाया भी। இனியும் எங்களை தப்புவிப்பார் என்று சொல்லி அவன் சொல்கிறான் और भी आने वाले समय में भी हमें बचाएंगे बोलकर प्रेरित पौलुस यहां बताते हैं। உங்களுடைய நம்பிக்கை அப்படியே ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவில் உறுதியாக இருக்கும் என்றால் अगर आज आपका भरोसा परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर ठीक तरीके से होगा तो இப்போ இருக்கக்கூடிய கொள்ளனோய்க்கு விலக்கி காப்பார் आज जो महामारी हमारे बीच में है उस महामारी से भी आपको बचाएंगे। இந்த உலகத்துல என்ன தீங்கு வந்தால் கூட और भी ये संसार में जितने भी नुकसान आने दीजिए தேவன் நம்மை தப்புவித்து பாதுகாப்பார் परमेश्वर ही हमें संभालेंगे और रक्षा करेंगे। அவர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறவளுக்கு அவரே ஆறுதலும் பாதுகாப்புமாக இருக்கிறார் परमेश्वर के ऊपर जो कोई अपना भरोसा को रखते हैं उनके लिए परमेश्वर एक शांति दाता है। இரண்டாவதாக அவருடைய வசனம் நமக்கு ஆறுதல் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது। दूसरा परमेश्वर के वचन हमें शांति देता है। நாம் வாசிக்கலாம் 119 சங்கீதம் हम पढ़ेंगे भजन संगीता का 119 49-50 ரெண்டு வசனங்களை வாசிக்கலாம் हम पढ़ेंगे उसका 49 और 50 को हम पढ़ेंगे। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हालेलुया हालेलुया அதுவே என் சிறுமேல் எனக்கு ஆறுதல் என்று சொல்லி சொல்கிறார் तो यह बताता है आपके वचन ही मेरे लिए उस दुख के दिनों में मेरा शांति है। உம்முடைய வாக்கு என்னை உயிர்ப்பித்தது என்று சொல்லி சொல்கிறார் आपके वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है बोला गया है। எல்லா நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலையிலும் जो स्थिति है जो भरोसा ही नहीं रख सक रहे हैं उस स्थिति में भी ஒருவேளை நம்மள கையை விட்டது போய் இருந்திருக்கலாம் अगर वो कार्य हमारे हाथ से छुड़कर चला गया भी तो தேவனுடைய வார்த்தை परमेश्वर का वचन जो है அதை நம்ம மீண்டும் எடுத்து சேர்க்க கூடியதாக இருக்கிறது। परमेश्वर का वचन फिर से हमें एक जीवन देने वाली वचन है। அதுவே என் சிறுமேல் எனக்கு ஆறுதலாக இருந்தது என்று சொல்லி சொல்கிறார் तो यहां बताया गया है दुख के समय में परमेश्वर का वचन ही मुझे शांति दिया। கஷ்டமான நேரத்துல कुछ क्लेश के समयों में தேவ வார்த்தை உறுதியாய் நாம் பற்றிக்கொள்ளுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் तो
परमेश्वर के वचन को उस क्लेश के समयों में हमें अच्छा से पकड़ लेना चाहिए परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है और भी वो 119वां भजन संगीता में हम 92 वचन को हम पढ़ेंगे यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता हालेलुया हालेलुया अगर आपके वचन उस दिनों में मुझे तसल्ली नहीं देता तो मैं मेरे उस दुख में मैं नष्ट हुआ होता ஒரு பிரச்சனை நம்மளோட வாழ்க்கையில கலந்து வந்துச்சுனா अगर कुछ कष्ट हमारे जीवन में आएगा तो மேல மேல நம்ம அதை போட்டு திங்க் பண்ணியே वो कष्ट के बारे में हम ऐसे सोचते रहते हैं நம்மளோட வசனத்தின் மேல் நம்பிக்கை இல்லாதபடிக்கு फिर वो वचन के ऊपर हम भरोसा नहीं रखते நம்மளோட வாழ்க்கையில இருக்கிற பிரச்சனையை நாம் பெருசாக பேசிக்கொண்டிருப்போம் तो हमारे जीवन का जो परेशानी है कष्ट है उसको हम बड़ा करकर हम बात करते हैं எப்பொழுதும் அந்த பிரச்சனையை குறித்து நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளாக இருப்போம் वो परेशानी के बारे में हम हरदम सोचते रहते हैं அப்படி இருந்தோம் என்றால் अगर इस ऐसे हम जिएंगे तो தேவன் கொடுக்கக்கூடிய ஆறுதல் परमेश्वर जो शांति देते हैं தேவன் தம்முடைய வசனத்தை அனுப்பி நம்மளை ஆசீர்வதிக்கக்கூடிய காரியங்கள் எதுவும் परमेश्वर जो वचन को भेजकर हमें आशीष जो देते हैं ऐसे कार्य நம்மளோட வாழ்க்கையில வராமல் போய்விடும் हमारे जीवन में नहीं आएगा அவருடைய வார்த்தை நாம் உறுதியாய் பற்றிக்கொள்ளும்போது परमेश्वर का वचन को अगर हम अच्छे तरीके से पकड़ लेंगे அந்த வசனம் நம்மளை உயிர்ப்பிக்கிறதாகவும் तब वो वचन हमें जीवन देती है நம்மை ஆறுதல் படுத்தக்கூடியதாகவும் और हमें शांति देती है நமக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது और वो वचन हमें समाधान भी देती है இன்னும் அதே 110வது சங்கீதம் 165வது வசனத்தை வாசிக்கலாம் तो वही भजन संगीता का 119वां भजन संगीता का 165 का वचन को हम पढ़ेंगे तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती हालेलुया हालेलुया वेदते நேசிக்கிறவளுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है நம்மளோட வாழ்க்கையில ஒரு சமாதானம் இல்லாமல் இருக்கிறோம் என்றால் अगर हमारे जीवन में हमारे अंदर एक समाधान नहीं है तो वेदते நேசிக்கிற காரியத்தில் நாம் குறைவுபட்டிருக்கிறோம் तो उसका मतलब है कि हम परमेश्वर का व्यवस्था से प्रीति रखने में थोड़ा घट गए हैं तो वेदते நாம் விரும்பி நாம் படிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் अगर हम इस परमेश्वर का वचन को चाहत के साथ आशा के साथ हमें पढ़ना चाहिए நாம் பொறுமையாக ஒவ்வொரு வசனங்களை நாம் பார்க்க வேண்டும் हमें बहुत धीरज से एक-एक वचन को हमें पढ़ना चाहिए தேவன் எப்படியெல்லாம் கிரியைகளை செய்வார் परमेश्वर कैसे काम को करते हैं அவர் நம்புகிற பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையில எப்படியெல்லாம் தேவன் ஆசீர்வதிப்பார் परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले மனுஷ்யோம் को परमेश्वर किस तरीका से आशीर्वाद को देते हैं இந்த பூமியில நாம் எப்படி பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும் இஸ் பிருத்வி पर हमें कैसे पवित्रता से जी सकते हैं நாம் எப்படி தேவ சித்தத்தை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி परमेश्वर का சித்த को हमें कैसा करना है बोलकर ஒவ்வொரு காரியங்களும் இந்த வேதத்துல நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் तो एक एक काम कार्य के बारे में इस व्यवस्था पुस्तक से हम पढ़ सकते हैं இந்த வேத வசனத்தை நேசிக்கிற பிள்ளைகளாக இஸ் वचन को हम हम चाहने वाले நம் மணி கணக்கா உட்கார்ந்து இந்த வேதத்தை வாசிக்க வேண்டும் இஸ் वचन को हम आशा भरकर चाहकर घंटों भर बैठकर हमें वचन को पढ़ना चाहिए அப்படி நேசிக்கிறவளுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுது तो वैसे व्यवस्था को व्यवस्था के ऊपर प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है बोलकर वचन बताता है அப்ப நம்மளோட வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய கஷ்டம் பிரச்சனை பாடுகளை குறித்து அதிகமாய் நாம் யோசிக்காம तो हम आपसे बोलते हैं कि हम आपके जीवन में जितने भी कष्ट है परेशानी है व्याकुल है इसके बारे में आप बहुत मत सोचिए हम देव समुद्र पे छिपिके बोले तो उसके मध्य में भी जब हम परमेश्वर के सम्मुख में जाकर हम प्रार्थना करेंगे देवन कुड़के कुड़े वार्तिकले उर्दियाई पच्ची कुंडे फिर उस समय परमेश्वर का दिया हुआ वचन को अच्छे तरह से पकड़कर नाम विश्वास तरह कातर कमोदे और विश्वास के साथ अगर हम इंतजार करेंगे कतर ये ला सुनने लेकिन माची पड़ेगा और आखिर तो परमेश्वर सब हालात को बदल देते हैं ये आप उस में पौलों के वाल के पाती ना आप प्रेरित पौलों का जीवन को अगर आप देखेंगे रिंदे कुरंदे नाला मधिहारम ये तो उम्बद वासन अगले वासी कलाम दूसरा कुरंदियों का पुस्तक चौथा अध्याय का
8 और 9 को हम पढ़ेंगे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताया तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हालेलुया। ये पक्कतले நெருக்கப்பட்டாலும் हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, ஒடுங்கி போகிறதே இல்லை, पर संकट में नहीं पड़ते, கலக்கம் அடைந்தாலும் மனம் முறிவடைகிறது இல்லை, நிருபாய் तो होते हैं पर निराश नहीं होते, எவ்வளவுதான் பிரச்சனை வந்தாலும் कितना भी क्लेश आने दो, தேவனுடைய வார்த்தையை நான் உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருக்கிறபடியாலே परमेश्वर का व्यवस्था को हमने अच्छा से थाम कर रखा है, நாங்கள் அவரை முழுவதுமாய் நம்புகிறபடியாலே पूरे से पूरे तक हमने परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा को रखा है, ஒடுங்கி போகிறதில்லை என்று சொல்லி சொல்கிறார், इसीलिए हम संकट में நहीं पड़ेंगे बोलकर वचन बताता है, மனம் முறிவடைகிறதில்லை என்று சொல்லி சொல்கிறார், बोलते हैं कि हम निरुपाय हम निराश नहीं होंगे, आत्मा कलंगी निक्र नेरंगलिल्ला, इसलिए जब कभी हमारा आत्मा क्लेश होता है तो ஒரு வேத வசனம் நம்மளை தேடி வரும்போது, तो अगर एक परमेश्वर का वचन हमें ढूंढ कर आता है அது நம்மளை உயிர்ப்பிக்க கூடியதாக இருக்கிறது, तो वो वचन हमें जीवन देता है, நம்மளை பலப்படுத்த கூடியதாக இருக்கிறது, वो हमें बलवंत बनाता है। நீங்க தாவீதின் வாழ்க்கையில ஒரு சம்பவத்தை பாவ வாசிக்கலாம், हम दाऊद के जीवन में एक संभव को हम पढ़ेंगे, 1 சாமுவேல் 30 அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால், पहला சாமுவேல் का पुस्तक का 30वां अध्याय को अगर हम लेंगे, தாவீதும் அவனுடைய குடும்பமும் அவனோடு சேர்ந்தோட குடும்பமும் ஒரு பகுதியில் இருக்கும், சிக்லாக்ல இருக்கும், दाऊद और उसका परिवार सिक्लोग बोलकर एक जगह पे है, அப்ப அமலேக்கியர் வந்து वहां அமலேக்கியே आते हैं, அந்த சிக்லாக்ல இருக்க அவனுடைய குடும்பம் அவனோட கூட இருக்க கூட எல்லாரோட குடும்பத்தையும் சிறைப்பிடித்து கொண்டு போய் விடுவார்கள், तो सिक्लोग में दाऊद का परिवार है और उनके मित्र के परिवार जो है वो सबको ये அமலேக்கி आकर कब्जे कर लेके जाते हैं, அவனுக்குண்டான எல்லா பொருள்களையும் மிருகங்களையும் கூட்டி கொண்டு போய் விடுவார்கள், उनके पास जितना भी माल और जानवर थे उसको सब लेकर वो चले जाते हैं। दाऊद सिक्ला के வந்து பாக்கும்போது जब दाऊद लौट कर आकर उस सिक्ला को देखते हैं, ஒன்றுமே இல்லாமல இருக்கும், तो वहां कुछ भी नहीं था, அவனும் அவனோடு கூட இருக்கிற எல்லாரும் தங்கள் பலன் போக மட்டும் அழுவார்கள், तो दाऊद और दाऊद के साथ जितने भी साथिया थे वो सब अपने बलन बल उनका बल घट होने तक रोएंगे। இன்னொரு பக்கம் பார்த்தால் தாவீதுக்கு ரொம்ப அவனோடு கூட இருக்கிற நபர் दूसरा तरफ देखिए दाऊद के साथिया जो है दाऊद के विरुद्ध पत्थर उठाकर उनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर भी दाऊद परमेश्वर के पास अपने आप को दृढ़ कर हो जाता है। हम पढ़ेंगे उसका छठवां वचन, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हालेलुया। फिर वहाँ याजक को देखकर यहोवोत को लेके आओ बोलकर बोलते हैं, देव समतल कत्तड़पी विसारिक्रवनाग इरुक्रान, तब वो परमेश्वर के सम्मुख में जाकर वो पूछते हैं। आठवां वचन को हम पढ़ते हैं, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उसे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निरसंदेह सब कुछ छुड़ा லாயகாது யா பரமேஸ்வர் சகலத்தையும் திருப்பி கொள்வாய் என்று சொல்லி தேவன் சொல்லுகிறார், நிர்சந்தேசு சப் குச் சுடா லே ஆயேகா, அப்படியாக தன்னோடு கூட இருக்கிற 600 பேரும் எல்லாம் அப்படியாக அமலேக்கரை தேடி போகிறார்கள். தோ ஏ வச்சன் கே த்வாரா दाऊद और उसके साथियों जो 600 साथियों थे वो सब मिलकर वो अमलेकियों जहाँ उनको लेके गए थे वहाँ जाते हैं। और अपने पोई कुंडे रखम बोले जब वो वहाँ गए जा रहे थे पेशोर
ஜோர்டான்ங்கிற ஒரு ஆற்றண்டை வரும்போது ஓ ஏக் நதி கிநாரே ஆதே ஹே அங்க 200 பேர் எங்களால வர முடியாதுன்னு சொல்லி அங்கே இருந்து விடுவார்கள் தோ ஓ देखिए छो 600 आदमियों में से 200 बोलेंगे कि मैं हम लोग और नहीं आ पाएंगे बोलकर वो उनके घर को ही चले जाते हैं இன்னும் கொஞ்ச தூரம் போகும்போது और थोड़ा दूर जाते हैं இன்னொரு 200 பேர் எங்களால முடியாதுன்னு சொல்லி அந்த ஆற்றை கடக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அங்கே இருந்து விடுவார்கள் தோ फिर से एक नदी किनारे जाते हैं और 200 लोग बोलते हैं कि हम इस नदी को हम पार नहीं कर पाएंगे हम पे, पे, हम जा रहे हैं बोलकर वो भी वापस चले जाते हैं अनंत दाऊद इदै குறித்து கவலைப்படவில்லை फिर भी दाऊद किसी के बारे में वो चिंता नहीं किया அதை குறித்து அவன் சோர்ந்து போகவும் இல்லை वो थक भी नहीं गया ஏனோ தேவனுடைய வார்த்தை அவன் கையில் இருக்கிறது क्योंकि परमेश्वर का वचन दाऊद के हाथ में था தேவன் கொடுத்த ஆலோசனை அவன் இடத்திலே இருக்கிறது परमेश्वर का दिया हुआ बुद्धि उनके पास था அதனால யார் வந்தாலும் வராவிட்டாலும் इसलिए जो आए जो ना आए அவன் தனி மனிதனாய் போய் அவர்கள் சகலத்தையும் திருப்பி கொள்ள முடியும் என்று சொல்லி அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு और इसीलिए दाऊद ने ऐसे ऐसे सोचा कि जो आए जो ना आए मुश्किल नहीं जो वचन परमेश्वर ने मेरे हाथ पे दिया था वो वचन को मैं लेकर इकलौता आदमी बनकर मैं सबको मैं वापस लेके आऊंगा बोलकर एक भरोसा दाऊद के अंदर था கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களே थोड़ा सोच कर देखिए அந்த சூழ்நிலை எவ்வளவு ஒரு மோசமான சூழ்நிலை वो हालत कितना बुरा था அவன் கவலைப்பட வேண்டியது எவ்வளவு காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டிருக்கலாம் वो दाऊद को चिंता करना था तो कितना कार्य में वो चिंता किया होता தன்னுடைய மனைவிமார்களை ஏதாவது அவர்கள் செய்திருப்பார்களா उनके पत्नियों को वो लोग कुछ किया होगा பிள்ளைகளை கொன்று போட்டிருப்பார்களோ बच्चे लोगों को मार दिया होगा क्या தன்னுடைய பொருள் எல்லாம் நஷ்டப்படுத்தி விடுவார்களோ अपने पास जितना भी था वो उसका उसको सब वो लोग चीज थे उसको सब नष्ट किए होंगे क्या என்று எவ்வளவு காரியங்களை குறித்து அவன் கவலைப்பட்டிருக்கலாம் ऐसे कितना कार्य थे इनके बारे में दाऊद चिंता किया होता தன்னோட வந்த ஜனங்கள் 400 பேர் நின்று விட்டார்கள் என்று சொல்லி எதை குறித்து அவன் கவலைப்படவில்லை तो दाऊद के साथ जो आदमी लोग आए थे उसमें 400 आदमी वापस चले गए बोलकर इतने तरीके के कामों में दाऊद चिंता किए होते ஆனால் அவன் வேத வார்த்தையை பிடித்து கொண்டான் फिर भी उन्होंने चिंता नहीं किया परमेश्वर का दिया हुआ वचन को पकड़ लिया அந்த வார்த்தையின் மூலம் கிடைத்த ஆறுதல் அவனை பலப்படுத்தினது तो वो परमेश्वर का दिया हुआ वचन के द्वारा वो वचन ने उन्हें शांति दी அப்படியாக அவன் கடந்து சென்று वैसे ही दाऊद ने वहां अमलेकियों के पास गया அமலேக்கியர்களை वो அமலேக்கி को முதநாள் சாயந்தரம் தொடங்கி மறுநாள் சாயங்காலம் வரையும் அவர்களை முறியடித்தான் देखिए इस अमालेकियों को पहले दिन शाम से शुरू होकर दूसरे दिन शाम तक उन्हें मार डाला அங்க ஒரு பெரிய கூட்டமே இருக்கு वहां एक बहुत बड़ा भीड़ था இவனோட இருக்கிறது வெறும் 200 பேர் தான் दाऊद के पास जो थे वो सिर्फ 200 थे ஆனால் எல்லாரையும் முறியடிக்கிறான் फिर भी अमालेकी सब का उन्होंने वो मार डाला முறியடித்து எல்லா வச்சையும் அவன் சகலத்தையும் திருப்பி கொள்ளுகிறவனாக இருந்தான் तो उन्हें सब मार डालकर सब वस्तुओं को वो फिर वापस ले लेता है और वचन तो वो उर्दिया பிடிச்சிட்டாங்க एक वचन को अच्छा तरीके से पकड़ लिया था அந்த தேவனுடைய ஆலோசனை உறுதியாய் பிடித்து கொண்டார் परमेश्वर का समझ और बुद्धि को अच्छा से पकड़ लिया था அந்த வசனத்துல கிடைத்த ஆறுதல் அவனை பலப்படுத்த ஆரம்பிச்சிச்சு वो वचन के द्वारा जो शांति दाऊद को मिला वो वचन उसे बलवंत करने लगा அப்படியே போய் அவன் சகல வச்சையும் திருப்பி கொண்டான் तो ऐसे जाकर वो सब को वो वापस ले आता है அதே அதிகாரத்துல 19வது வசனத்தை வாசி तो वही अध्याय में 19वां वचन को हम पढ़ेंगे वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े क्या बेटे क्या बेटियां क्या लूट का माल सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया தேவன் மேல நம்பிக்கை வைத்ததனால பரமேஸ்வர்க்கு ऊपर अपना भरोसा को रखा था அவன் ஆறுதல் மட்டும் அடையவில்லை सिर्फ वो शांति ही नहीं पाया அவன் இழந்த எல்லாவற்றையும் மீண்டும் பெற்றுக்கொண்டான் जितना वस्तुओं को उसने खोया था उसको सब वापस ले आया இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனைகள் மத்தியில கடந்து சென்றாலும் तो आज
आज आप जो भी परेशानियों के मध्य में आप गुजर रहे हो तो, जितना भी उपद्रव के राह पे आप चल रहे हो तो कोरोना वायरस ऐसा है कि आपके परिवार में कोई भी कोई भी व्यक्ति इस कोरोना महामारी से वो गुजर रहे हैं तो देव समूह छिपिक बोध जब जब आप परमेश्वर के सम्मुख में आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर को ही परमेश्वर के ऊपर ही जब आप भरोसा रखेंगे आरदल पड़ते तब परमेश्वर आपको शांति देंगे और सेदम यार बाधिक पटाला तो जो जिसके ऊपर ये रोग है तो वो रोग से जरूर परमेश्वर उन्हें बचाएंगे नाम देव मिल नंबिके इलाम अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे वही परेशानी के बारे में बात कर परेशानी को अगर हम बड़ा करेंगे देवन कुड़कर आरदल नम्मल्ड वाल्किल वराद परमेश्वर का दिया हुआ शांति हमारे जिंदगी में नहीं आएगी देवन कुड़कर कुड़े विडुदले नम्मल्ड वाल्किल वराद और परमेश्वर का दिया हुआ छुटकारा भी हमें नहीं आएगा प्रचने वर नाल पेरिस पड़ता है इसीलिए परेशानी को बहुत बड़ा मत बनाइए नम देवन एल्लावट्रे काटले पेरियवराग इरुक्कार हमारा परमेश्वर सबसे बड़े हैं அவரால கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது வச்சன் பத்தாதா ஹே கி பரமேஸ்வர் சே நாமும்கின் கா குச்ச பீ நஹி ஹே தேவனால் எல்லாம் கூடும் பரமேஸ்வர் சே சப் ஹோகா அவரை விசுவாசிக்கிற பிள்ளையோட வாழ்க்கையில எல்லாம் கூடும் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது வச்சன் பத்தாதா ஹே கி பரமேஸ்வர் கோ ஜோ கோய் விஸ்வாஸ் கர்த்தா ஹே உன்கே ஜிந்தகி மே சப் குச் சம்பவ் ஹே சூழ்நிலை பார்த்து ஒரு நாளும் கலங்கி தவிக்காதீங்க இஸ் ஹலாத் கோ தேக் கர் கபி பீ வியாகுல் மத் ஹோ ஜாயியே அப்போஸ்தல் பவுல்ட வாழ்க்கையை பாருங்க ஆ பிரேரித் பவுலோஸ் கோ ஜிந்தகி கோ देखिए எங்களுக்கு தப்பி பிழைப்பு எங்களுடைய ஜீவன் பிழைக்கும் என்று சொல்லி ஒரு நம்பிக்கை இல்லை ஓ बताते हैं कि हमारा हमारा जीवन बच जाएगा बोलकर एक भी भरोसा हमें नहीं था எங்களுடைய பலத்துக்கு மிஞ்சின காரியமாய் காணப்படுகிறது மிஞ்சின ஒரு பாரமாக காணப்படுகிறது என்று சொல்லி சொல்கிறார் और ये भी बताते हैं कि हमारे बल के ऊपर वो कार्य था ஆனாலும் தேவனின் நம் தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைத்ததனாலே फिर भी हमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा தப்பு விட்டார் परमेश्वर हमें छुड़ाया इन्हीं में गले तपी पार ने सुली चले गया और भी हमें छुड़ाएगा बोलकर बताते हैं दाऊद ना पड़ी था दाऊद भी वैसे थे अपने वचन ते वृद्धि पछे कोंडा परमेश्वर का वचन को अच्छा से पकड़ लिए थे எல்லா वचन திருப்பி கொண்டார் सब को वापस ले लिए तो ஒவ்வொரு நாள் வேதத்தை வாசிக்க வேண்டும் इसीलिए प्रतिदिन हमें परमेश्वर का वचन को पढ़ना चाहिए வேதத்தை நேசிக்க வேண்டும் परमेश्वर के वचन के ऊपर प्रेम करना चाहिए ஆண்டவர் நம்மளோடு பேச விரும்புகிறவராக இருக்க परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं हम बाइबल पढ़ी कर नेरमला आंडर पक्कतले ये वंदो कांदे रुपा जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तब परमेश्वर खुद अपने हमारे पास आकर बैठ जाते हैं वेद वचन अंगलोड ना मरले पेस आरमी पार इस वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं न वचन तक नहीं के कील पड़ी आरमी के मुझे अगर आप इस वचन का आज्ञा पालन करेंगे आंडर उनको वाल की आशीर्वाद कर रहा है तब परमेश्वर आपका जिंदगी को आशीष करेंगे अब நம்மே தேவன் அவர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறதுனால நம்மளை ஆறுதல் படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் तो पहला देखिए जो कोई मनुष्य परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं उनको परमेश्वर अपने शांति से भरते हैं அவரே நமக்கு ஆறுதல் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் परमेश्वर खुद ही हमें शांति देते हैं அவருடைய வசனம் நம்மளை ஆறுதல் படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது परमेश्वर का वचन हमें शांति देता है அது மாத்திரமல்ல இளந்த சகலவற்றையும் திருப்பிக் கொள்ளும்படியாக செய்கிறது सिर्फ वही नहीं जो चीज को जो वस्तु को हम खोए थे वो वस्तु को फिर से हमें देते हैं तो இவ்வளவு ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டனா तो इतना आशीर्वाद को प्राप्त किए हम लोग மற்றவர்களை ஆறுதல் படுத்தும்படியாக நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும் तो हम लोग दूसरों को भी हमें शांति देना चाहिए தேவனால் ஆறுதல் அடைந்தவர்கள் परमेश्वर का द्वारा तसल्ली पाए लोग மற்றவர்களும் दूसरों को भी தேவனை அறியாதவர்கள் जो परमेश्वर को नहीं जानते உபத்திரவத்தின் பாதையில் இருக்கிற பிள்ளைகள் जो कोई उपद्रव के राहों पर है தேவனுடைய ஆறுதலை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக परमेश्वर के तसल्ली को पाने के लिए நாமும் ஒரு காரணராக மாற வேண்டும் तो हम भी एक कारण होना चाहिए நீங்க இந்த தாவீதுட வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா தாவூத் का जीवन में देखिए தாவீதோட 200 பேர் மட்டும்தான் அந்த அமலேக்கர் போய் யுத்தம் பண்ணுவார்கள் தாவூத் के साथ सिर्फ 200
அம்மே லோக சமாலேக்கி கேசா சாத் ஜாக்கர் ஜங் லட்தே ஹே பாக்கி 400 பேர் அந்த ஆற்றங்கரையில இருந்து விடுவார்கள் பாக்கி 400 ஆத்மீ லோக ஒரு நதி கே கினாரே பே ஹே டஹர் ஜாதே ஹே அங்கே தாவீத் தனக்குண்டான எல்லாவற்றையும் திருப்பி கொள்வான் வஹான் தாவூத் சப் வஸ்து கோ வஹான் சே லே ஆதே ஹே அந்த அமலேக்கில இருக்கக்கூடிய பொருள்களை கொள்ளையாக அவன் எடுத்து கொண்டு வருவான் அமலேக்கியோ கே பாஸ் ஜித்னா பி வஸ்து தே உஸ்கோ பி வோ வஹான் சே லேகே ஆ ஜாதே தே அப்ப தாவீதோட கூட இருக்கக்கூடிய மனுஷங்க சொல்லுவாங்க தப் தாவூத் கே சாத் ஜோ 200 ஆத்மீ பாக்கி தே வோ லோக போல்தே ஹே இந்த கொள்ளை உடமேல நம்மளோட வராதவங்களுக்கு ஒரு பங்கும் கிடையாது தோ வோ போல்தே ஹே ஹம்னே ஜித்னா பி சீசே இஸ் அமலேக்கி கே பாஸ் சே ஹம்னே லியே ஹே உஸ்மே சே ஏக் சீஸ் பி ஹமாரே சாத் ஜோ வியக்தி லோக நஹீ ஆயே உன்கோ ஹம் நஹீ தேங்கே நம்ம வாசிக்கலாம் ஹம் படேங்கே 1 சாமுவேல் 30 அதிகாரம் 22 23 24 ஹம் படேங்கே 1 சாமுவேல் கா புத்தக 30வா அத்தியாய 22 से लेकर हम 25वां वचन 24 तक हम पढ़ेंगे तब उन लोगों में से जो दाऊद के संग गए थे सब दुष्ट और ओच लोग ना कहे ये ओचे लोग ने कहा हे लोग हमारे साथ नहीं ये लोग हमारे साथ नहीं गए थे इस कारण हम उन्हें अपने छुड़ाए हुए लूट के माल में से कुछ ना देंगे केवल एक एक मनुष्य को उसकी स्त्री और बाल बच्चे देंगे कि वे उन्हें लेकर चले जाए परंतु दाऊद ने कहा हे मेरे भाइयों तुम उस माल के साथ ऐसा ना करने पाओगे जिसे यहोवा ने हमें दिया है और उसने हमारी रक्षा की और उस दल को जिसने हमारे ऊपर चढ़ाई की थी हमारे हाथ में कर दिया है और इस विषय में तुम्हारी कौन सुनेगा लड़ाई में जाने वाले का जैसा भाग है सामना के पास बैठे हुआ का भी वैसा ही भाग होगा दोनों एक ही समान भाग पाएंगे हालेलुया हालेलुया எல்லாருக்கு சரி பங்காய் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி सब ये जो लूटे हुए माल को हम सबको एक ही समान देना है बोलकर தனக்கு உண்டான ஆசீர்வாதத்தையும் जो आशीर्वाद हमारे पास है பெற்றுக்கொண்ட ஆறுதலையும் तो जो शांति हमने पाया है மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கிறவனாக இருந்தான் तो उसको उसको दूसरों को भी उसने दिया पर नाम மற்ற பிள்ளைகளே இந்த ஆறுதல் படுத்துகிறவளாக तो हम भी हमारे साथ जितने भी हैं उन्हें तसल्ली देने वाला होना चाहिए தேவனுக்கு நேராவே நடத்த வேண்டும் परमेश्वर के राहों पे उन्हें अगुवाई करना चाहिए நீங்க அப்போஸ்தல் பவுலோட வாழ்க்கையில ஆ பிரேரித் பவுலோஸ் கா ஜீவன் மே தீத்துங்கற ஒரு ஊழியக்காரன் அவனோட கூட இருப்பான் தீத்துஸ் बोलकर एक सेवकाईदारी उनके साथ थे அவனை குறித்து அப்போஸ்தல் பவுல் சொல்கிறான் उनके बारे में प्रेरित पौलुस बताते हैं அவன் வந்தது निमित्तம் நான் ஆறுதல் அடைந்தேன் என்று சொல்லி சொல்கிறான் तो वो सेवगाई तीतुस के बारे में प्रेरित पौलुस बताते हैं वो आए तभी मुझे थोड़ा तसल्ली मिली வாசிக்கலாம் 2 கொரிந்தியர் 7 அதிகாரம் हम पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों का पुस्तक 7वां अध्याय 5 से 7 वाले वचनங்கள் வாசிக்கலாம் 5 से लेकर 7 तक हम पढ़ेंगे क्योंकि जब हम मकदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर की चैन नहीं मिली परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे बाहर लड़ाइयां थी भीतर भयंकर बातें थी तो भी दिनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस को आने से हमको शांति दी और न केवल उससे उसके आने से परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिलती थी उसने तुम्हारी लालसा तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया जिससे मुझे और भी आनंद हुआ हालेलुया हालेलुया तीतु வந்ததனால் தேவனுக்கு ஆறுதல் செய்தார் என்று சொல்லி அங்க சொல்லுகிறார் யா வச்சன் बताती है जब तीतुस आया तब परमेश्वर ने हमें शांति दी இந்த தீத்துவை குறித்து நாம் வாசித்தோம் என்றால் அதே அதிகாரத்துல 13வது வசனத்தை வாசிக்கலாம் ये तीतु के बारे में हमें जानना है तो वही अध्याय का 13वां वचन में हम पढ़ सकते हैं इसीलिए हमें शांति मिली हमारी शांति के साथ तीतुस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ क्योंकि उसका उसका जीत तुम सब के कारण हरा भरा हो गया था இந்த தீத்துவை மற்ற சபையினர் அவனை பலப்படுத்த ஆரம்பித்தார்கள் ये तीतुस को कलीसिया के लोग ने उन्हें बलवंत बनाया அவர்கள் निमित्तம் அவன் ஆறுதல் அடைந்தான் तो वो कलीसिया को निमर तीतुस को तसल्ली मिली அந்த ஆறுதலோட இங்க அப்போஸ்தல் பவுலை காண வரும்போது तो वही शांति के साथ यहां प्रेरित पौलोस को भी देखने तीतुस आते हैं இவன் निमित्तம் அவர்களும் ஆறுதல் அடைகிறவளாக இருந்தார்கள் तो ये तीतुस के निमर्त वो पौलोस के साथ पौलोस और पौलोस के साथी को भी
हमें आनंद मिलती है। अपोस्तल पौल அந்த சூழ்நிலையை சொல்கிறார். यहां प्रेरित पौलुस उस हालात को यहां बताते हैं। எங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் ஒன்றுமில்லாமல் हमें कहीं भी चैन नहीं मिली। நாங்கள் எப்பக்கத்தில் உபத்திரவப்பட்டோம். हम चारों ओर हमें सिर्फ क्लेश था। புறமே எங்களை சுற்றி अनेक போராட்டங்கள் உண்டு। बाहर लड़ाइयां थी। உள்ளுக்குள்ள எங்களுக்கு பயமும் இருந்துச்சு என்று சொல்லி சொல்கிறார். और भीतर भयंकर बातें भी थी बोलकर पौलुस बताते हैं। அப்படியேப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில तो इस स्थिति में तीतु அங்க போனதே निमित्तம் तो वहां तीतुस गए அவனுக்குள்ள ஒரு ஆறுதல் கடைந்து வருகிறது। तब प्रेरित पौलुस के अंदर एक शांति आई। இந்த தீத்துவை குறித்து அப்போஸ்தல் பவுல் இதே 2 குறித்து 2 ஆம் அதிகாரம் तीतुस के बारे में और भी दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक में दूसरा अध्याय का 13वां वचन में भी लिखा गया है। तो मेरे मन में चैन ना मिला इसीलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया, इसीलिए उनसे विदा होकर मैं मकदूनिया को चला गया। मैं तीतुस को नहीं देखा नाविक अमेदल इल्लादिरुंदद इसीलिए मेरे मन में चैन नहीं मिला। नम्मल पत्ति यारा अप्पडी सोल्लुवांगला हमारे हमको देखकर कोई ऐसे बता सकते हैं। नम्म ओरु इडत्तुक्कु पोय निन्नोम्ना हम जाकर एक जगह में खड़ा होंगे तो अय्यय्यो इवन वंदुट्टा एंड्रु सोल्लि अलरकूडिय जनंगल दान इरुक्कु तो लोग ऐसे बोलेंगे हाय हाय ये तो आ गया। तो देखिए यहाँ प्रेरित पौलुस बोलते हैं मेरे मन में चैन नहीं था क्योंकि मैंने तीतुस से नहीं मिला। आज हम हमारे जिंदगी कैसे जी रहे हैं? क्या हम दूसरों को तसल्ली देने वाले हैं? नहीं तो हर बार कुछ खराब बातें बोलकर अविश्वास कार्य नाम पिछला और अविश्वासी काम को बोलने वाले हैं क्या? நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுக்கு हमारे चारों ओर जो लोग है நாம் அந்த இடத்துல போகும்போது जब हम उस जगह में जाते हैं அவர்களுக்குள்ள ஒரு சமாதானம் கடந்து வர வேண்டும் तो उनके भीतर में एक समाधान आना चाहिए। அப்ப நமக்குள்ள முதலாவது அந்த விசுவாசத்தின் ஆவி இருக்க வேண்டும் तो इसीलिए हमारे मन के अंदर पहला उस विश्वास का आत्मा होना चाहिए। நம்ம வந்து எப்போ ஒரு பாசிட்டிவாய் பேசக்கூடிய பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हम सिर्फ अच्छे और सही बातों को ही बोलना चाहिए। என்னோட கூட ஆபீஸ்ல मेरे साथ एक भाई पहले काम कर रहे थे ऐसे बोलेंगे कि मुझे थोड़ा पेट दर्द हो रहा है पल कार्य कैंसर तो वो भाई क्या करेंगे बहुत सारे बात को बताकर ये रोग जो है वो कैंसर ही हो सकता बोल देंगे। अपनी और नैसकूडा इसलिए वैसे मत बात कीजिए कैंसर है अगर कैंसर है बोलेंगे भी तो देव ने विश्वासिता கொடுப்பார் என்று சொல்லி நாம் பாசிட்டிவாய் பேசுகிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். तो हमें बोलना चाहिए अगर तू परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेगा तो जरूर छुटकारा होगा बोलकर ऐसे भलाई बातों को हमें बोलना चाहिए। நாம் பாசிட்டிவாய் பேசும்போது अच्छे बातों को अगर हम बात करेंगे வேத வசனத்தை நாம் சொல்லும்போது और भी अगर परमेश्वर का वचन को वहां बताएंगे तो வசனம் அவர்களுக்குள்ள ஆறுதலை கொண்டு வரக்கூடியதாக तो परमेश्वर का वचन उनके अंदर एक शांति को देगा। இன்னைக்கு ஒருவேளை நம்மளுடைய தேசங்களை யாராவது இந்த கொரோனால பாதிக்க अगर इन दिनों में हमारे देशों में हमारे जान पहचान वाले लोग अगर इस कोरोना के वजह से रोगी हो गए हैं तो उन्हें फोन कर कर अच्छे बातों को बताइए। भयपड़े कार्यकूड़ा उन लोगों के अंदर भय देने वाले कुछ भी वाक्य को नहीं बताइए। विश्वास और भी हम विश्वास के साथ अगर बात करेंगे नमक आवियन हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है अंद मनि नरप आरमिपा तो उसी समय वो मनुष्य को भी भरेंगे नम आराधिक देवन क्योंकि जो परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं समीपत्तुक मात्रम अल्ल वो सिर्फ निकट का नहीं दूरत्तुक्कुम अवर देवनाग इरुक्किरार वो दूर का भी परमेश्वर है। इंगे नाम पेसम्बोधु यहाँ बात करते समय नमक्कुल्ल इरुक्कूडिय विश्वासत्तिन आवि हमारे अंदर जो विश्वास है நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரிசுத்த ஆவியானவர் हमारे अंदर
जो पवित्र आत्मा है மனுஷனை நிரப்ப ஆரம்பிப்பார் तो वो मनुष्य को भरेंगे அவனுக்குள் ஒரு ஆறுதல் கடந்து வரும்படியாக செய்வார் तो उसके अंदर भी एक शांति को भरेंगे அதாவது எப்பவும் நெகட்டிவாவே பேசாதீங்க इसीलिए बुराई चीजों को बात मत कीजिए பாசிட்டிவா சொல்லுங்க भलाई बातों को कीजिए தேவனால எல்லாம் கூடும் என்று சொல்லி சொல்லுங்க परमेश्वर से सब कुछ मुमकिन है बोलिए அவர் செய்ய நினைக்கிற காரியம் ஒரு நாளும் தடைபடாது என்று சொல்லி சொல்லுங்க परमेश्वर जो करना चाहते हैं उसको कोई भी नहीं रोकेगा बोलिए நமக்குள் இருக்கக்கூடிய ஆவி அந்த மனுஷனுக்குள்ள கடந்து சென்று तो हमारे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा वो मनुष्य के अंदर भी जाएगा அவனை விசுவாசத்துக்குள்ள தட்டி எழுப்பும் तब वो भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा நீ வாசிங்க அப்போஸ்தல 18 ஆம் அதிகாரம் आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों का पुस्तक का 18 वचन 18 प्रेरितों का पुस्तक को 18 अध्याय का 5वां वचन को हम पढ़ेंगे जब सीलास और तिमोथियस मकदोनिया में आए तो पौलुस वचन सुनने के धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है हालेलुया हालेलुया இங்கே சீலாவும் தீமோத்தியும் பவுல்ட்ட வந்தபோது ஜப் யா சீலாஸ் ஆர் திமோத்தியஸ் பவுலோஸ் கே பாஸ் ஆயே பவுல் ஆவியில வைராக்கியம் கொண்டு தப பவுலோஸ் பவித்ர ஆத்மா மே பர் கர் இயேசுவே கிறிஸ்து என்று சிலங்க பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் தோ இயேசு ஹி மசீஹ போல்கர் கவாய் தேனே லகே சீலாவும் தீமோத்தியும் வந்தபோது ஜப் சீலாஸ் ஆர் திமோத்தியஸ் வஹா ஆயே பவுலோட ஆவியில ஒரு வித்தியாசம் உண்டாக ஆரம்பிக்கிறது தோ பவுல் கே அnder கா ஜோ ஆத்மா उसमें थोड़ा फर्क दिखने लगा அவன் ஆவியில ஒரு வைராக்கியம் பற்றி பிடிக்க ஆரம்பிக்கிறது பவுலோஸ் கே अंदर जो आत्मा था उसमें से वैराग्य जी उठा அந்த அளவுக்கு சீலாவும் தீமோத்தியும் அந்த பரிசுத்த ஆவியினால வைராக்கியத்தால நிரம்பி இருந்தார்கள் उतना तक देखिए वो सीलास और तिमोथियस जो थे वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में उतना भरे हुए थे நீ நல்ல ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாக अगर आप अच्छा प्रार्थना करने वाला होंगे நல்ல பரிசுத்த ஆவியில நிரம்புகிற பிள்ளைகளாக இருந்தீர்கள்னா अगर पवित्र आत्मा में अच्छा से भरने वाले व्यक्ति होंगे तो நீங்க ஒரு இடத்துல போய் நிக்கும்போது ஜாப் ஜாக்கர் एक जगह पे खड़ा होंगे உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரிசுத்த ஆவியானவர் आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है சுற்றி இருக்கக்கூடிய நபரை தேய்ச்ச ஆரம்பிப்பார் तो चारों ओर आपके चारों जितने भी लोग खड़े हैं उन्हें तसल्ली देंगे உங்களுக்குள்ள அந்த ஆவியானவர் இருந்தா अगर वो आपके अंदर वो पवित्र आत्मा होगा ஒவ்வொருளே தேய்ச்ச ஆரம்பிப்பார் तो उन्हें तसल्ली देंगे அந்த தேவ பிரசன்னத்தை உணர்ந்து நம்மள்ட்ட அவங்க நேரா வந்து பேச ஆரம்பிப்பார்கள் परमेश्वर का उस उपस्थिति को महसूस करके सीधा हमारे पास आकर बात करेंगे சில நேரங்களில कुछ समय में சில மனிதர்கள் நம்மளை கடந்து போகும்போது कुछ मनुष्य हमसे जब गुजर कर जाएंगे ஒரு விதமான இச்சைகள் நம்மளை அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் तो कुछ तरीका के इच्छाएं हैं वो हमारे पास आएगा ஒரு விதமான பாவ சிந்தனைகளை தூண்ட ஆரம்பிக்கும் एक तरीका का पाप को हमारे अंदर वो बहकाएगा ये அப்படி வருதுனா क्यों ऐसे आता है உனக்குள்ள அந்த பலன் ஆவியின் வல்லமை இல்லாமல் போகிறதுனால तो हम आपके अंदर जो पवित्र आत्मा का बल नहीं है इसीलिए वो ऐसे होता है அசுத்த ஆவி உன்னை அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது वो अशुद्ध आत्मा जो है वो तभी आपको आपके ऊपर वो वार करता है ஆனா உனக்குள் பரிசுத்த ஆவியானவர் இருந்தால் तो अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा உனக்குள் இருக்கக்கூடிய ஆவியானவர் மற்றவர்களை தேய்ச்ச ஆரம்பிப்பார் तो वो पवित्र आत्मा दूसरों को तसल्ली देगा ஒரு மனுஷ ஒரு வேதனையோடு சோத ஒரு கவலையோடு உட்கார்ந்திருக்கும்போது एक மனுஷி बहुत चिंता में बैठा है तो நீங்க அந்த இடத்துல போய் உட்கார்ந்தாலே போதும் आप जाकर उस जगह पे बैठना ही काफी होगा ஆவிக்குள்ள ஒரு ஆறுதல் உணர ஆரம்பிப்பார் तो उस आत्मा के अंदर एक कुछ शांति को पाएगा நீங்க ஒண்ணு பேச கூட வேண்டாம் आप बात करने का जरूरत नहीं है உங்க மேல் இருக்கக்கூடிய அபிஷேகம் आपके अंदर जो अभिषेक है அந்த தேவ பிரசன்ன वो परमेश्वर का जो उपस्थिति है அவனை தேய்ச்ச ஆரம்பிக்கும் तो उसे शांति देगा அநேக சாட்சிகளை நான் கேட்டதுண்டு ऐसे बहुत गवाही को मैंने सुना है பேசாம அமைதியா உட்கார்ந்தா இருந்தாலே போதும் हम बिना बात करे ऐसे शांति से बैठे रहेंगे वो काफी है ஆவியானவர் கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கும் பவித்ர ஆத்மா वहां काम करेंगे இப்ப நாம அப்படியே பாசிட்டிவ் திங் உள்ள பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் वैसे हमें भलाई बातों को सोचने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए சீலாவும் தீமோத்தியும் வரும்போது பவுலோட ஆவிக்குள்ள ஒரு வைராக்கியம் கடந்து வருகிறது तो देखिए சீலாஸ் और தீமோத்தியஸ் आने पर पौलोस के अंदर जो आत्मा था वो आत्मा में वैराग्य हो गया நாமும் அப்படியே பிள்ளைகளான நாட்களை மாற வேண்டும் तो इन दिनों में हमें भी वैसे होना चाहिए போவாஸ்ங்கற மனிதர் ரூத்தோட
வாழ்க்கையில் நாம் பார்த்தோம் என்றால் ரூத் கே ஜிந்தகி மே ஹம் தேகேங்கே தோ ரூத் தன் சொந்த தேசத்தை எல்லாம் விட்டு ரூத் அப்னே खुद के देश को छोड़कर आ जाती है தன் மாமி கூட அந்த எருசலேம் பட்டணத்துக்கு வந்து விடுவாள் இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு வந்து விடுவாள் उसके सास के साथ वो இஸ்ரவேல் தேச को आ जाती है அப்ப அவளை குறித்து உண்டான காரியங்களை அந்த போவாஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பார் தோ ரூத் கே பாரே மே போவாஜ் ஜோ தே வோ சுனே ஹே அப்ப ரூத்தை பார்த்து போவாஸ் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை தப் ரூத் கோ தேக்கர் போவாஜ் பதாதே ஹே ரெண்டு ரூத் ரெண்டாம் அதிகாரம் 12 13 வசனங்களை வாசிக்கலாம் ரூத் கா புத்தக கா தூஸ்ரா அத்தியாய கா 12 ஆர் 13 கோ ஹம் படேங்கே யெகோவா தேரே காரிய கா ஃபல் தே ஆர் இஸ்ரவேல் கா பரமேஸ்வர் யெகோவா ஜிஸ்கே பங்கோ தலே து சரண் லே लेने आई है तुझे पूरा बदल दे उसने कहा हे मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ तो भी तूने अपनी दासी के मन में पैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है हालेलुया ये बोवा सोल कुड़ेदे यहाँ बोवा जो बोलते हैं देवनाले उनके निरयवान बलन वरुम என்று சொல்லி சொல்கிறார் யெகோவா तेरे कार्य का फल दे அந்த வார்த்தை அவளை அவ்வளவாய் ஆறுதல் படுத்தினது तो ये वचन जो है उस ये वचन रूत को बहुत तसल्ली दी அவ இப்படி நீ அடியாளோட பச்சமாய் பேசினீரே என்று சொல்லி அவ்வளவாய் தன் ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் तो बोलते हैं अपने दास के पास तू आपने इतने अच्छे वचन से आपने बात की है बोलकर बोलती है ஏதாவது காசு பணம் கே போவாஸ் கொடுத்தாரா क्या यहाँ बोवाज ने रूथ को कुछ पैसा दिया क्या नहीं और पॉजिटिव आना वार्ता है एक अच्छे बात को बताई कल्तर उन्हें आशीर्वाद दिया पाने सुनना वार्ता है परमेश्वर तुझे आशीर्वाद करेंगे बोलकर जो वचन है आत्मा में खुलीरा पन्नी बिठा तो रूथ के आत्मा के अंदर एक बहुत बड़ा शांति को ले आया நாமும் அப்படி அப்படி பிள்ளைகளாகதான் இருக்க வேண்டும் तो हम भी उसी तरीके से होना चाहिए தேவனுடைய வார்த்தைகளை எடுத்து அடுத்தவங்களுக்கு நாம் சொல்லும்போது परमेश्वर का वचन को लेकर अगर हम दूसरों को बताते हैं அவர்கள் அது निमितம் ஆறுதல் படுகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் तो उसके निमित्त वो वचन के द्वारा वो लोग परमेश्वर का शांति को पाएंगे நெகட்டிவா பேசாதீங்க बुरे बात को मत बताइए எதுவும் சாத்தியம் இல்லை என்று சொல்லி சொல்லாதீங்க ये काम नहीं हो सकता बोलकर मत बोलिए தேவனால் எல்லாம் கூடும் என்று சொல்லி நீங்க சொல்லும்போது பரமேஸ்வர் से ये काम होगा बोलकर जब आप बोलेंगे உங்கள் வாழ்க்கையில ஒரு ஆசீர்வாதம் கடந்து வரும் तो आपके जीवन में एक आशीर्वाद आएगा ஒரு ஆறுதல் கடந்து வரும் एक तसल्ली आएगा தேவனுடைய வசனம் தான் காசா பணமா சொல்றதுக்கு பரமேஸ்வர் का वचन क्या पैसा लगेगा बोलने के लिए ஒண்ணுங்களே இலவசமாய் நாம் பெற்றோம் இலவசமாய் அதை சொல்ல போகிறோம் इसीलिए हमने बिना पैसा को इसे इसको हमने लिया तो बिना पैसा का हमने इसको इसको देंगे भी அதனால எப்போது நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லி அடுத்தவங்களை ஆறுதல் படுத்துறவளாக இருங்கள் इसीलिए अच्छे बातों को बताकर दूसरों को तसल्ली दीजिए ஒரே ஒரு வசனத்தை வாசித்து நாம் ஜெபிக்கலாம் இயேசு கிறிஸ்து குறித்து சொல்லும்போது एक वचन को हम पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के बारे में बोलते समय லூக்கா 2 அதிகாரம் 25வது வசனம் லூக்கா சுசமாச்சார் का पुस्तक दूसरा अध्याय का 24वां वचन और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पुंडकों का एक जोड़ा या कबूतर के दो सॉरी 25वां वचन यरूशलेम में शमोन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था हालेलुया बताया गया है कि यरूशलेम में शांति आने के लिए इंतजार कर रहा था इज़राइल का शांति कौन था वो परमेश्वर यीशु मसीह थे दीर्घ दर्शन तो ये शमोन के पास यीशु मसीह का भविष्य भविष्यवाणी बताया गया था காணாமல் நீ மறிக்க மாட்டாய் என்று சொல்லி அவனுக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி இருந்தார் तो शमोन के पास परमेश्वर ये भविष्यवाणी बताए थे कि इजराइल का शांति को देखे बिना तू नहीं मरेगा அதன்ஸ்ல இஸ்ரவேலின் ஆறுதல் என்று சொல்லி சொல்றான் तो इसीलिए यहां बताते हैं कि इजराइल की शांति ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு ஆறுதலின் தேவனவர் परमेश्वर यीशु मसीह एक शांति दाता है அவரே ஒரு ஆறுதலாக நமக்குள்ள இருந்து கொண்டிருக்கிறார் वो एक शांति दाता
आता बनकर हमारे अंदर जी रहे हैं இந்த ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து தான் இன்றைக்கு நமக்குள்ளும் இருக்கிறார் तो यही परमेश्वर यीशु मसीह आज हमारे अंदर भी भी है அவர் நமக்குள்ள இருக்கிறார் என்றால் वो हमारे अंदर है तो சகல விதமான ஆறுதல நமக்குள்ள தேவன் வைத்து வைத்திருக்கிறார் तो सब तरीके के शांति से वो हमें भरे हैं அது நாம் நம்பிக்கையோடு விசுவாசத்தோடு நாம் விசுவாசித்தோம் என்றால் अगर इस शांति को हम एक शांति के शांति को अगर हम विश्वास करेंगे भरोसा रखेंगे तो தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை ஆறுதல் படுத்துவே நாம் உணர முடியும் तो परमेश्वर जो शांति देते हैं वो प्रतिदिन हम महसूस कर सकते हैं அது மாத்திரமல்ல सिर्फ वही नहीं இளந்த சகலவற்றின் திருப்பிக்கொள்ளும்படியாக தேவன் செய்வார் जो कोई आपने खोया है वो सब को परमेश्वर वापस देंगे நம்மளுடைய வாழ்க்கையில சகல விதமான உபத்திரவங்கள் இருக்கும் हमारे जीवन में सब तरीका के क्लेश जरूर होगा கிறிஸ்து வாழ்க்கையில உபத்திரவம் இல்லாமல் இருக்காது இசாய் का जीवन बिना क्लेश का नहीं होगा உபத்திரவம் பெருகிற இடத்திலே தேவனுடைய ஆறுதலும் பெருகக்கூடியதாக இருக்கும் तो जहां कभी कहीं क्लेश बढ़ता है वहां परमेश्वर का शांति भी बढ़ता है ஆறுதல் கொடுக்கக்கூடிய தேவன் நமக்குள்ளே இருந்து நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் शांति दाता हमारे अंदर रहकर हमें आशीर्वाद करेंगे यदि நீ விசுவாசித்தீங்கனா अगर इस कार्य को अगर आप विश्वास करेंगे தேவன் உங்கள் வாழ்க்கை சூழ்நிலையை மாற்றிடுவார் तो परमेश्वर आपका जीवन का हालत को बदल डालेंगे நீங்கள் अनेகரை ஆறுதல் படுத்தக்கூடிய பிள்ளைகளாய் மாறுவீர்கள் आप बहुतों को शांति देने वाले बन जाएंगे इतने पे நீங்க செய்ய போறீங்க कितने जन आप करने वाले हैं நான் ஜெபிக்கலாம் इस दिन में भी हम प्रार्थना करेंगे கேட்ட வார்த்தைக்கு ஒப்புக்கொடுத்து நாம் ஜெபிக்கலாம் जो वचन को हम सुने हैं हम उसके रखकर हम प्रार्थना करेंगे हालेलुया यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला अब भी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला अब भी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को महासागर जैसे बांधाओं में खोलेगा द्वार महासागर जैसे बांधाओं में खोलेगा द्वार पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे यहोवा की आराधना करे हालेलुया 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 जितना भी क्लेश हमारे चारों ओर हो परमेश्वर फिर भी जब हम आपके वचन को पकड़कर आपके दिए हुए वचन को आपके दिए हुए व्यवस्था को हमारे मन में लिखकर परमेश्वर हालेलुया हमारे हृदय के पलकों में उसे लिखकर जब हमें उसको याद रखकर आज्ञा पालन करेंगे तो आप बड़े शांतिदाता यहोवा शालोम आप हमें भरेंगे आप हमें भरेंगे हालेलुया चाहे क्लेश हो चाहे परेशानियां हो चाहे व्याकुल हो चाहे चिंता हो चाहे हालात बहुत बुरा हो हालेलुया अगर हम परमेश्वर का दिया हुआ व्यवस्था को मानेंगे परमेश्वर का दिया हुआ वचन को अगर हम विश्वास करकर आज्ञा पालन करेंगे तो यहोवा शालोम हमारे जिंदगी में शांति को देंगे शांति देने वाला परमेश्वर तसल्ली देने वाला परमेश्वर आनंद देने वाला परमेश्वर हमें भरेंगे हालेलुया हालेलुया हां परमेश्वर हम तो थक गए थे हम तो चिंतित हो गए थे हम तो व्याकुल हो गए थे हम तो परेशान हो गए थे कि अभी हम क्या करेंगे बोलकर तो ये स्थिति में परमेश्वर आपने आपके वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात किया है अभी हम चिंता नहीं करेंगे बल्कि आपके वचन को हम स्नेह करना शुरू करेंगे आपके वचन को पढ़ना हम शुरू करेंगे आपके वचन को हम ध्यान करना शुरू करेंगे उस व्यवस्था को हमारे मन में लिखने के लिए हम शुरू करेंगे स्मरण करने के लिए शुरू करेंगे हालेलुया हालेलुया आज्ञा पालन करने के लिए शुरू करेंगे ताकि जो पवित्र आत्मा ने
ओ पवित्र आत्मा एक सामर्थ के साथ हम में क्रिया करे। हालेलुया, सिलास के तरह, तितुमुस के तरह, तीतुस के तरह हम जहां कहीं भी जाए, हालेलुया, रोने वाले के लोगों के मध्य में एक शांति फैल जाए। हालेलुया, वहां का वातावरण बदल जाए। ऐसे हमें बदल दीजिए, ऐसे हमें बदल दीजिए पवित्र आत्मा। हर बार हर समय उस पवित्र आत्मा में भरने का सामर्थ्य से हमें भरिए। हमारा परेशानी को हम बड़ा नहीं करेंगे, हमारे परेशानियों के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, बुरे चीजों के ऊपर बात नहीं करेंगे। हालेलुया, क्योंकि मरा हुआ लाजर को जी उठाने वाला परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास है, क्योंकि मेरे परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, उनसे नामुमकिन का चीज कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, इस वचन को आपने हमारे लिए दिया है, हम धन्यवाद बोलते हैं। पवित्र आत्मा, इस वचन के द्वारा आपने बहुतों को शांति दिया है, बहुतों का हृदय को शांति से आपने भरा है, व्याकुल को दूर किया, आंसुओं को पोंछा है, दुख को दूर किया, दर्द को दूर किया है। इस वचन के द्वारा हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, हमारे कलीसिया परिवारों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं, जो भी हालेलुया इस वचन को सुना है, इस वचन को अनुसार जीने का सामर्थ्य उन्हें दीजिए। परिवार में जो कोई इस महामारी के वजह से रोगी बन गए हो, उनको परमेश्वरी चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, अंतिम तक आपके वचनों में स्थिर रहने का ताकत से हमें भरिए। कभी दूर नहीं हटना चाहिए, कभी भी जिंदगी से हमें थक नहीं जाना चाहिए। वचन को लेकर परमेश्वर, जितना को हमने खोया है सबको हमें वापस लेके आना चाहिए परमेश्वर। ये सिर्फ आप से होगा, सिर्फ आप ही से होगा। वचन का दिया हुआ पास्टर को, उनके परिवार को, बच्चों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। आप ही उनके लिए एक सीमा बन जाइए परमेश्वर। हमारे कलीसिया सब परिवारों को आप ही आपके पंखों तले छिपा कर रक्षा करने के लिए धन्यवाद बोलते हैं। हमारे अबू कलीसिया के लिए धन्यवाद, पास्टर लोगों के लिए धन्यवाद। हालेलुया, आप ही संभाले, आप ही संभाले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। कतरा यीशु कृष्ण कृपया, हमारा प्रभु यीशु मसीह का कृपा, पितावागे देवंडे अनुभव, पिता परमेश्वर का प्रेम, परिशुद्ध आवियंडे अन्योन्य ऐक्यम, और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता इंजुम इंजुम नाम अनेवरोडे कूड इरुपदाग आज और हर पल हमारे साथ होते रहे। हालेलुया, 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 जय मसीह, जय मसीह।